इनलाइन एलिमेंट को देख लिया था कि ये क्या इनका बिहेवियर होता है नॉर्मली. यार अगर ये पीछे वाले भी बंद करते हैं खामोशी हो जाएगी थोड़ी ना. फ़ैन का शोर बहुत ज़्यादा होता है. एक तो यहाँ पे इको वैसे भी है और फ़ैन का भी शोर होता है ना. अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है. अच्छा क्वेश्चन जब ही होगा जब आपने इसको अपने हाथ से करके ट्राई किया होगा. अच्छा, पिछली क्लास में आप नहीं थे. अच्छा मैं बता देता हूँ. पिछली क्लास में हमने ये चैप्टर नंबर 8 जो है एक्स्ट्रा मार्कअप ये शुरू किया था और इसको हमने ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर लिया था. HTML की हिस्ट्री हमने इसमें देखी थी, वो शुरू में इन्होंने बताया. कमेंट्स कैसे लगाते हैं, कमेंट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. हमने बग भी देखा था कि बग क्या होता है, जो प्रोग्राम में बग आ जाता है या उसको हम डीबग करते हैं, डीबग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है. तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी और हमने लास्ट में इन लाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का डिफरेंस हमने देखा था. ये वो एलिमेंट है जो हम पहले ही यूज़ करते रहे हैं. ज़ाहिर है H1 जो होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, हम सब जानते हैं ये, ठीक है. और क्योंकि हम पहले दिन से ही इसको यूज़ कर रहे हैं इस एलिमेंट को, लेकिन अभी हमें आके पता चला है कि अच्छा जी ये जो इसका बिहेवियर होता है इन लाइन का और ब्लॉक का वो डिफरेंट होता है, इस वजह से कि ये इसको ऐसा रखा गया, ठीक है. ब्लॉक एलिमेंट का बिहेवियर क्या होता है, वो पूरी लाइन लेता है, अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता है वो, ठीक है. और अगर मिसाल के तौर पे पहले से कोई एलिमेंट मौजूद है और हम उसको लगाते हैं तो बावजूद इसके कि स्क्रीन पे जगह होती है लेकिन वो उस जगह पे नहीं आता, वो एक नई लाइन में शुरू होता है, ठीक है. तो हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या देखा कि वो नई लाइन में शुरू होता है और अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता. अच्छा यहाँ पर इन्होंने डायग्राम से इस चीज़ को बताया हुआ है, ये आप देखें डायग्राम से इस चीज़ को बता के इन्होंने समझाया है कि ये ब्लॉक लेवल इस तरह का होता है. ये कुछ एग्जांपल दी हुई है कि ये सारे ब्लॉक लेवल होते हैं. उसके बाद जो इन लाइन एलिमेंट होता है वो उसकी एग्जांपल यहाँ पे ऐसे दी हुई है. इन लाइन एलिमेंट के भाई कोई नखरे नहीं होते, वो जहाँ उसको जगह मिलती है वहाँ पर वो खड़ा हो जाता है. अगर उसको जगह नहीं मिलती है फिर वो नीचे वाली लाइन में आता है, और अगर वो खुद मौजूद है तो उसकी लाइन में कोई और भी आना चाह रहा है तो वो उसको वेलकम करता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता. अच्छा हमने ये भी देखा था कि जी ब्लॉक लेवल को ब्लॉक क्यों रखा गया है, क्योंकि उसको ब्लॉक ही होना चाहिए. हेडिंग आमतौर पे जब हम लगाते हैं तो उस हेडिंग वाली लाइन में कोई और बात नहीं लिखते हैं, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का बिहेवियर जो है ऐसा वो इस वजह से है कि उसका है बिहेवियर यही होना चाहिए. इसी तरीके से हमारे पास जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी क्या होता है कि पूरी लाइन में हम लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ के साथ हम साइड बाई साइड कोई दूसरी चीज़ आमतौर पर नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से पैराग्राफ भी इट इज़ सपोज टू बी ब्लॉक लेवल, ठीक है. ऑन अदर एंड जो इमेज है या उसके अलावा ये एम्फेसाइज का टैग है या उसके अलावा बोल्ड और इटैलिक का टैग है, बोल्ड का जो टैग है इट इज़ सपोज टू बी इन लाइन, क्योंकि पैराग्राफ के दरमियान में कोई एक वर्ड मुझे बोल्ड करना पड़ सकता है, तो अगर वो ब्लॉक लेवल होगा तो वो तो पैराग्राफ टूट जाएगा मेरा पूरा, बीच में से पैराग्राफ को तोड़ के वो नीचे कर देगा. तो इसको इट इज़ सपोज टू बी इन लाइन, इन जो एंकर टैग है, जो बोल्ड का टैग है, ये सारे जो हैं वो इन लाइन ही होने चाहिए. अच्छा जी उसके अलावा हमने डिव को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया था कि जी डिव क्या होता है, वो एक कंटेनर होता है और उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को रैप कर सकते हैं. डिव जो है वो एक ऐसा कंटेनर होता है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल कंटेनर है. इसी तरह हमारे पास स्पैन जो होता है वो क्या होता है, वो इन लाइन कंटेनर होता है. मिसाल के तौर पर हमने ये पैराग्राफ देखा था लास्ट कि जी अगर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर ये कपूर को मुझे जो है वो अगर बोल्ड करना है, ठीक है, या मॉडर्न जो लिखा हुआ है इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं वैसे नहीं कर सकता, मुझे इसको किसी ना किसी कंटेनर में रैप करना पड़ेगा अगर मुझे सिर्फ इतने पे स्टाइलिंग लगानी है. तो अगर तो मुझे पूरा पैराग्राफ करना है वो बात अलग है, वो हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ये कपूर को मैंने करना है बोल्ड, तो मैं जब तक इसको किसी एलिमेंट में रैप नहीं कर देता जब तक मैं इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है. तो उसके लिए स्पैन के नाम से एक हमारे पास कंटेनर मौजूद है. स्पैन जो है वो ऐसा कंटेनर है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता एलिमेंट के ऊपर. आप स्पैन लगाते हैं आपको स्क्रीन पे पता ही नहीं चलेगा इस पर कुछ लगा हुआ है, तो वो जाहिर है उस एलिमेंट को अगर टारगेट करना है आपने, क्योंकि स्टाइलिंग हमेशा एलिमेंट्स पे लगती है. मतलब ये कपूर इज़ नॉट द एलिमेंट, ये तो टेक्स्ट है, या ये यहाँ पे टर्नर लिखा हुआ है, टर्नर इज़ नॉट एन एलिमेंट. हमेशा स्टाइलिंग लगती है एलिमेंट पे. तो अगर एलिमेंट में बोलूँगा पैराग्राफ पे स्टाइलिंग लगा दो, बोल्ड कर दो इसको, तो पूरा पैराग्राफ बोल्ड होगा, ठीक है. सिर्फ ये टर्नर को बोल्ड करना है मैंने, तो मुझे उसको कोई एलिमेंट देना पड़ेगा. अच्छा इसको मैं कौन सा एलिमेंट दूँ? अब इसको मैं अगर एलिमेंट देता हूँ मैं बोल्ड का एलिमेंट, तो वो उसको बोल्ड भी कर देगा. अब मिसाल के तौर पर मुझे बोल्ड नहीं करना,
ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे टर्नर का कलर रेड करना है, तो बोल्ट तो नहीं लगा सकता फिर मैं, फिर मुझे कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए। अब मैं कौन सा इस पर एलिमेंट लगाऊँ, H1 लगाऊंगा तो वो बड़ा कर देगा उसको, हालांकि वो मैंने नहीं करना, मैंने सिर्फ कलर रेड करना है। तो उस सूरत में मैं इस पर लगाऊंगा स्पैन, डिव भी नहीं लगा सकता, डिव लगाऊंगा नीचे लाइन में लेकर आ जाएगा इसको ये, तो स्पैन लगाऊंगा इस पर, स्पैन को मैं कोई आईडी प्रोवाइड करूंगा, जो हम आईडी अब पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, ये क्लास प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उस क्लास या उस आईडी के ज़रिए मैं इस एलिमेंट पे, जो इस स्पैन पे कोई ना कोई कलर, कोई ना कोई फॉन्ट स्टाइल, कोई ना कोई फॉन्ट वेट यानी कि बोल्ड या लाइट, कोई भी चीज़ मैं उस पर अप्लाई कर पाऊँगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमने CSS शुरू करनी है। अच्छा जी, आई फ्रेम जो है, मैंने कहा था कि आप लोग खुद से लगा कर देख लीजिएगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद से आई फ्रेम लगा कर भी देखा है। अच्छा, आई फ्रेम के बारे में ये बताता चलूँ कि आई फ्रेम जो है वो डिस्करेज किया जाता है। अब वो डिस्करेज किया जाने का रीज़न क्या है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन ज़रा इसका कोड हम ना चला के देख लेते हैं, इसका कोड हम चलाने की कोशिश करते हैं। सेक्शन बी, अच्छा मैंने आप लोगों से कहा था कि इस आई फ्रेम में जो ये खुला हुआ है, 6, इस आई फ्रेम में जो मैप खुला हुआ है, मैंने आपसे कहा था कि उसके अंदर आपने मैप लगाना है यहाँ का, इस इंस्टीट्यूट का। कितने लोगों से ये काम हो पाया? हाँ, मैंने ये कहा था कि आई फ्रेम में कोशिश करना है आपने। वैसे तो आई फ्रेम ये कोड पेस्ट कर दिया, चल गया, इसमें तो कोई मतलब कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपने ये आई फ्रेम लगाना है ना, तो आपने ये जो मैप यहाँ पे बना हुआ आ रहा है इस आई फ्रेम के अंदर, इस आई फ्रेम में जो ये मैप बना हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे मुझे इस इंस्टीट्यूट का मैप चाहिए, या आपके घर का मैप, या कोई जिस दुकान की, अगर आपने, आप लोगों ने सबने रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बनाई है, आप सब लोगों ने जो है वो हेयर ड्रेसर की और डॉक्टर के लिए दुकान के लिए वेबसाइट बनाई है, तो उसका यहाँ पे एड्रेस बना हुआ आ रहा हूँ, ये मैंने कहा था आप लोगों से। कितने लोगों से ये हो पाया? नहीं हो पाया ना, अच्छा चलो मैं करके दिखा देता हूँ फिर ये। अब ये मैंने गूगल मैप की वेबसाइट खोली, गूगल मैप में मैंने क्या किया, ये प्रिसाइज लोकेशन पे क्लिक किया। अच्छा, लोकेशन मैंने बंद किया हुआ है, तो चलो एक काम करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं ना, ASF यार कैसे है, ASF कॉलेज, हाँ जी सही इसने निकाला है मैप। ये आ गया जी ASF कॉलेज, सही है। इसका ये जो शेयरेबल लिंक होता है ना, ये परमानेंटली क्लोज क्यों आ रहा है भाई यहाँ पे, पता नहीं, परमानेंटली क्लोज आ रहा है। वेल, तो ये इसका शेयरेबल लिंक आ गया मेरे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं एक नए टैब में, ज़रा आप ओपन करूँगा ना तो आप देखें क्या खुलेगा। नए टैब में जब मैं इसको ओपन करूँगा मैं, तो ये इस तरह डायरेक्ट यहाँ पे ये खोल देता है। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यही वाली चीज़ आई फ्रेम में शो करानी है, आई फ्रेम में खोल के शो करानी है, क्योंकि गूगल मैप मैं अपनी वेबसाइट पे पूरा गूगल तो नहीं बनाऊँगा ना, मैं पूरा गूगल मैप मैं अगर अपनी वेबसाइट पे बनाने लग गया तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, एक एक बिल्डिंग, एक एक, अच्छा फिर वो अपडेट भी करते हैं गूगल वाले, चीज़ें जैसे अपडेट होती हैं तो अपडेट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका नाम कल को ASF से फुल फॉर्म कर देंगे भाई, अगर कि भाई एयर फोर्स सिक्योरिटी ऐसे पूरा कर दें, शॉर्ट फॉर्म हटा दें, तो वो गूगल पे कोई ना कोई अपडेट करता है, हो जाता है अपडेट वो। अब हमारी वेबसाइट पे तो वो हमें खुद अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा, इस पूरे एड्रेस को राइट क्लिक करूँगा यहाँ से कॉपी, और कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर एक अदद चुन्ना मुन्ना सा एक आई फ्रेम बनाऊँगा मैं, और उस आई फ्रेम का जो SRC है ना, वो इधर पेस्ट कर दूँगा मैं। सही है, मुश्किल तो नहीं था ये। अच्छा, इस पर ये विर्थ वगैरह लगी हुई है, विर्थ हटा देता हूँ मैं ताकि वो फुल विर्थ हो जाए, विर्थ हटाऊँगा ना तो ये फुल विर्थ हो जाना चाहिए उसको।
आगे देखते हैं जी, हमारे पास वो वाला मैप खुला कि नहीं खुला, एक मिनट, फुल विड्थ ये नहीं हुआ है तो मैं इसको विड्थ ज़रा 100% दे देता हूँ। सही है, फुल विड्थ ताकि ये हो गया। अच्छा, अब आप नोट करें कि ये गूगल ने ना रिफ्यूज़ कर दिया इसको कनेक्ट करने से ना, ये कह रहा है भाई हम तो नहीं करते कनेक्ट। सही है। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर वेबसाइट आपको अलाउ नहीं करती हैं कि आप उसको अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करें। इसको एम्बेडेड भी कह सकते हैं, आई फ्रेम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ अलाउ बहुत सारी वेबसाइट नहीं करती हैं। आई फ्रेम को ख़ास तौर पर डिस्करेज किया जाता है। आई फ्रेम के अलावा भी तरीके होते हैं वेबसाइट को एम्बेड करने के। अच्छा, लेकिन गूगल मैप की अगर हम केस में बात करें तो आप देखें यहाँ पे जो इसने लिंक दिया है ना, यहाँ पे जो लिंक अगर इसने दिया है, ये दो लाइनों में क्यों जा रहा है, इसको मैं एक लाइन में लाऊं। इस लिंक में आप गौर से अगर देखेंगे ना तो लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट इक्वल्स टू एम्बेड। ये लगाना पड़ेगा हमें, ये जैसे ही हम लगाएंगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल वाली जो इनकी वेबसाइट है वो तो अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन एम्बेडेड वाले को ये अलाउ करते हैं। अच्छा, तो वापस हम चलते हैं गूगल मैप की वेबसाइट पे, और वापस चल के इस पे मैं क्लिक करके ना शेयर का बटन दबाऊंगा तो ये आप देखें एम्बेड एक अलग से यहाँ पे इसने देखें एम्बेड का ये टैब बनाया हुआ है, और ये एम्बेड के ऊपर ना आई फ्रेम पूरा इसने बना के दिया हुआ है। आप देखें आई फ्रेम का पूरा टैग इसने दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन बॉक्स भी है कि जी मीडियम, स्मॉल, लार्ज, कस्टम साइज़, ठीक है। मैंने कहा लार्ज, तो लार्ज कुछ इस तरह का होगा, मीडियम कुछ इस तरह का होगा, स्मॉल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये इतना ही बड़ा खुलेगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं इसको कहता हूँ जी कस्टम साइज़, मैं कहता हूँ जी मेरी मर्ज़ी का साइज़ आप लगा के दो। अच्छा, और वो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मुझे वो जो 16:9 वाला जो रेशो होता है ना वो मुझे चाहिए। तो 16:9 का जो रेशो है, मेरी स्क्रीन तो 1000 पिक्सल की है मिसाल के तौर पर, सही है, या 900 पिक्सल की है मेरी स्क्रीन, तो 900 का जो वो 16:9 का रेशो है वो क्या बनेगा, 16:9 समझ रहे हैं ना सब लोग। आजकल जो मतलब आजकल जो जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, जैसे ये फ़ोन है, तो इसके जो स्क्रीन का रेशो है ना वो 16:9 कहलाता है, ठीक है। कि अगर ऐसे ये 16 है ना तो ऐसे ये 9 है, ये वाला चक्कर है, ठीक है। मतलब 16:8 होता तो आधा आधा का रेशो होता कि जी जितनी उसकी चौड़ाई है उसकी आधी लंबाई है, लेकिन 16:9 है ये रेशो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा बाय द वे 16:8 अगर होता ना तो 16:8 नहीं लिखते उसको हम, 16:8 अगर होता तो इसको हम 16:8 नहीं लिखते, क्योंकि 16 और 8 एक दूसरे का आधा है, तो 1:2 लिखते हैं फिर उसको, ठीक है। 16:9 के रेशो का मतलब है कि अगर मेरी लंबा अगर ऐसे यूँ 900 है विड्थ, तो उसकी हाइट अभी मैं जो कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 900 को मैं डिवाइड कर दूँगा कितने से, क्योंकि चौड़ाई है तो 16 है, डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 16 से, सही है। तो 56.25 का एक यूनिट बनता है, ठीक है। और 56.25 को जो है अब क्योंकि मुझे इसका 9 निकालना है, 16 से मुझे 9 निकालना है, तो 56.25 को मैं 56.25 को मैं अब मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 9 से। तो 506 मेरा जो है ना निकल कर आया है, 506 पिक्सल जो है मेरा, अगर मैं यहाँ पे 506 लगाता हूँ ना, तो ये बना है 16:9 का रेशो, ठीक है जी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो आप देखें इसने कुछ यूनिट वगैरह यहाँ पे चेंज किया है, और ऑटोमेटिकली ना ये मैंने क्या किया, अच्छा बस ये कॉपी कर लेते हैं मेरे ख्याल, इसमें कोई सबमिशन का बटन नहीं है। मैं मुझे लगा शायद इसमें लिख के ना कहीं पे सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये लिंक चेंज होगा, लेकिन आई थिंक ये ऑटोमेटिकली ना लिंक चेंज हो गया, ठीक है। इसमें देखें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो गर्ल्स कॉलेज बॉयज़ ये सब लिखा हुआ है, और ये यूनिट भी कहीं ना कहीं देखें इसमें विड्थ भी लिखी हुई आ रही है कि जी 900 भाई, और हाइट जो है 506। तो ये जो URL है ना, ऐसा URL इसने बना के दिया है मुझे, ये मतलब पूरा आई फ्रेम का पूरा टैग मुझे बना के दे दिया इसने, कि ये वाला आई फ्रेम का टैग मैं इधर लगाऊंगा और जो है ना ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। ये पुराना वाला मैं इसमें से हटा देता हूँ जो कि रिफ्यूज़ टू कनेक्ट बता रहा है, उसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हम इस पर देखते जाएँ कि भाई क्या क्या इसमें इन्होंने किया हुआ है। एक तो उन्होंने SRC लगाया है, SRC इन्होंने ना देखें, अच्छा ये जो बुक में लिखा हुआ है ये थोड़ा पुराने स्टैंडर्ड का है URL, और ये .UK वाला है,
मतलब google.com/, वो यूके वाला वर्जन है गूगल का ना जो ये चल रहा है, ठीक है, हमारे पास google.com अब हो गया है, वो यूके और पीके इन्होंने वो मसला ख़त्म कर दिया है। अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि किधर से रिक्वेस्ट आ रही है, उसी हिसाब से वो रिडायरेक्ट करता है। तो ये नया वाला URL आया है, तो हमें कोशिश करनी है हम नया वाला URL लगाएं। सम डे दिस URL विल बी डेप्रिकेटेड, ठीक है, इसको डेप्रिशिएट कर देंगे ये कि जो है ना ये अब ख़त्म हो गया है। तो बुक ज़ाहिर है 2009 में लिखी गई थी, तो उस हिसाब से इसने लेटेस्ट वाला URL लिखा था। ये हमें गूगल ने जो दिया है ना अभी राइट नाउ, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। अच्छा, अब इसमें आप देखें क्या क्या इसने लगाया है। एक तो इसने ये कोऑर्डिनेट्स लगा दिए हैं, ठीक है, दो एड्रेस वेड्रेस जो भी था वो सारा वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब अगली चीज़ इसने लगाई है विड्थ, दूसरी चीज़ लगाई है हाइट जो मैंने ही दी थी, स्टाइल लगा दिया इसने बॉर्डर 0 pixel, ठीक है, ये स्टाइलिंग अभी हम इंशाल्लाह शुरू करने लगे हैं, ये आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं हम HTML का। अच्छा, उसके अलावा लोडिंग पे इसने ना लिखा है लेज़ी लोडिंग। लेज़ी लोडिंग क्या चीज़ होती है कि जी इस पेज में इस आइटम को सबसे लास्ट में लोड किया जाएगा। लेज़ी लोडिंग कुछ चीज़ों पे अवेलेबल है, जैसे इमेजेस पे अवेलेबल है, कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर अवेलेबल है, आई फ्रेम पे अवेलेबल है। लेज़ी लोडिंग का मतलब है इसको सबसे लास्ट में लोड किया जाएगा। लास्ट में लोड करने का बेनिफिट ये होता है कि जी अगर मिसाल के तौर पर ये वेबसाइट इटसेल्फ लोड होने में बहुत टाइम लगा रही है, तो पहली लाइन में ही आई फ्रेम है तो बाकी की वेबसाइट रुकी रहेगी उसकी वजह से। तो ये लेज़ी लोडिंग इस वजह से रखा है कि जी आखिर में लोड हो। और आमतौर पर ये मैप पेज के आखिर में ही लगाया जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि टॉप पे जो है ना मैप लगा हुआ, तो मैप थोड़ी देर में भी लोड होगा ना क्योंकि नीचे है तो कोई इशू नहीं है ऐसा, तो इसलिए लेज़ी लोडिंग इस पर लगा दिया, ठीक है। और इस पर रेफरर पॉलिसी लगा दिया कि जी जो है ना, अब रेफरर पॉलिसी जो है ना ये सर्वर से मुतालिक चीज़ है, प्रोटोकॉल से मुतालिक चीज़ है ना, तो इसको फ़िलहाल अभी हम रहने देते हैं, इसको अलग से आप अगर करना चाहें गूगल तो कर लीजिएगा। तो हमें इससे पता क्या चला है कि जी आई फ्रेम जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट से, इसको चला के ज़रा देखते हैं कि दिख कैसा रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, ये तो पुराना वाला तो रिफ्यूज़ हो गया था, ठीक है, अभी जो ये खुला है ना नया वाला। अब देखें आप इस वाले गूगल के वर्जन में और इस वाले गूगल के वर्जन में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि इसमें ज़रा लेबलिंग ज़्यादा हुई हुई है यूके का ही है, और इसमें ज़रा लेबलिंग हमारे वाले में कम हुई भी है क्योंकि हमारे पास वाले बंदे ना डेटा ज़रा कम है गूगल के पास ना, तो हमारे पास मतलब बहुत सारी शॉप्स वगैरह ऐसी होती हैं जो गूगल पे नहीं लिस्ट करते अपने आप को ना। अच्छा, यहाँ पे एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है वैसे आप लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे गूगल जो है ना इस वक्त सबसे बड़ी बिज़नेस डायरेक्टरी है दुनिया की, सबसे बड़ी बिज़नेस डायरेक्टरी है दुनिया के, जितने बिजनेसेस हैं ना वो गूगल पे लिस्ट होते हैं, और गूगल पे लिस्ट होने की वजह से ट्रैफिक आता है बिज़नेस के ऊपर, और ये इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ट्रैफिक आता है और 100% आता है। अच्छा, क्यों, मैं ख़ुद क्योंकि इसको यूज़ करता हूँ इसलिए मैं ये कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ। अब मिसाल के तौर पे मैं सुबह निकला वॉक करने, अच्छा भैया मैं घूम रहा हूँ एयरपोर्ट के सामने वाले पार्क में, वो चक्कर मारा ट्रैक पे, अच्छा अब मेरा मूड बन गया लेमन जूस पीने का। अब सुबह के बज रहे हैं 6:30 या 7, अब मेरा मूड बन गया लेमन जूस का, अब मैं कैसे ढूंढूं, मैं देखूंगा ना यार जूस की दुकान कहाँ पर है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि मुझे पहले से ही पता हो, मैं कहीं जाता हूँ डेली सुबह, मुझे पता है हाँ यार यहाँ मिल जाता है, लेकिन वो अब मुझे नहीं पता कि वो जहाँ मैं जाता हूँ वो इस टाइम खुला हुआ होगा या नहीं, तो मैंने लिखा गूगल पे जाके। अच्छा, क्या लिखा गूगल पे जाके, आके दिखाता हूँ आपको क्या लिखा, ये पहले इसको तो कट करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा कि जी जूस। अच्छा, अब ये जितनी भी जूस की शॉप थी ना सारी, वो देखो यहाँ पे इसने बता दिया, ये आप देखें ये सारी जूस की शॉप आ गई। अच्छा, अभी मैंने लोकेशन इसको अलाउ नहीं की हुई है शायद, अदरवाइज़ जो है ना ये वो, अभी मैं इसको लोकेशन अपनी अलाउ करता हूँ तो ये फिर ना, ये इसको मैंने अपनी लोकेशन अलाउ कर दी है, अब ना ये मेरे रेडियस में मुझे बताएगा कि यार ये आपसे कितना दूर है। इसको क्या मेरी लोकेशन पता नहीं चल रही, इसको मेरी लोकेशन पता ही नहीं चल रही,
आई थिंक वो मैंने क्योंकि अलाउ नहीं किया हुआ था ना इसको, तो मुझे ब्राउज़र को बंद करके खोलना पड़ेगा, मुझे ब्राउज़र को बंद करके खोलना पड़ेगा इसके लिए। मेरी लोकेशन उसको पता ही नहीं चल रही भाई, पता नहीं क्या सीन है ये। वेल, जब मैंने लिखा ना जूस शॉप, अब आप देखें ये सारी आ गई। अब इसमें से अगर ये मेरी लोकेशन होती है ना, तो सबके नीचे लिखा आ रहा होता कि जी इतने किलोमीटर है, तो सबसे अच्छा ये गई। अच्छा हाँ, वो तो गूगल क्रोम से चल रही थी ना, गूगल क्रोम बंद हुआ तो जो है ना ये स्क्रीन भी बंद हो गई। अब मिसाल के तौर पे ये आ गया मेरे पास कि जी ये वाला है जूस की शॉप, ओपन है, ठीक है, डाइन इन है, टेक अवे है, क्लोजेज 1 AM। ये ओपन नाउ वाला भी इस पर होता है, टाइमिंग अगर लिस्ट हुई हुई है तो ओपन नाउ पता चल जाता है। मैं किसी एक पे क्लिक करूँगा, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, या मैं किसी एक पे क्लिक करके ना उसको फ़ोन लगाऊँगा, उसको फ़ोन मारूँगा कि हाँ भाई खुला हुआ है या नहीं है। इसने फ़ोन नंबर नहीं लिखा, आप देखें तो इसका मतलब है कि इधर नहीं जाऊँगा मैं। सही है, इसने फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो इसको मैं लगाऊंगा फ़ोन। अगर ये फ़ोन उठा लेता है, इसका मतलब है ये दुकान पे मौजूद है। तो आप देखें कितना इसने आसान कर दिया इस चीज़ को। अच्छा ये मुझे समझ आ रहा है, तो ये सब लोगों को, बाकी लोगों को भी आ रहा है समझ में। जी सर, मेरा क्वेश्चन पिन की है, क्या इसी हवाले से? पिन लगी है ना पॉइंट, हाँ, लोकेशन के ऊपर जो पिन लगी है, क्या ये भी HTML में प्रोग्रामिंग है? हाँ, ये तो पूरा HTML CSS से ही बना हुआ है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा HTML CSS से ही बना हुआ है ऑब्वियसली। हाँ, ये पिन बाकायदा इसकी गूगल की API है, वो इंशाल्लाह अगर मौका मिला हमें तो वो हम यूज़ करेंगे। उसमें बाकायदा वो मार्कर, इसको मार्कर कहते हैं, मार्कर आप कहीं भी पॉइंट करना चाहें हो जाता है। ये क्योंकि ये एक वेबसाइट है, googlemap.com जो है वो क्योंकि एक वेबसाइट है, तो वो क्या कहते हैं, वो HTML CSS और JavaScript पे ही बनी हुई है। फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुए हैं इसमें, ज़ाहिर है इनका अपना, उन्होंने कोई फ्रेमवर्क बनाया होगा जो ये पब्लिक भी नहीं करेंगे कभी, तो अपना फ्रेमवर्क आमतौर पर बनाती है जब इतने बड़े लेवल की कंपनी होती है तो, लेकिन वो होगा इसी पे ही बेस कर रहा होगा। अच्छा तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब देखें यहाँ पे ना एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है कि जी अब कोई ऐसी जूस की दुकान है, आप रोड पे निकलेंगे ना, आपने क्या करना है, देखते हुए जाना है, अच्छा ये जूस की दुकान है, ये मौजूद है गूगल पे, ये है ये है। अच्छा कोई ऐसी होगी जो नहीं होगी, कोई क्लिनिक ऐसा होगा जो नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल ऐसा होगा, कोई मेडिकल स्टोर ऐसा होगा जो उस पे नहीं होगा मौजूद। अच्छा आपने क्या करना है, बहुत आसान है, सही है। जैसे अभी मैं जूम इन करता हूँ, जूम इन करता हूँ मैं यहाँ पर। अब आप देखें, इमेजिन करें ये जो जगह है, ये कोई ना कोई दुकान यहाँ पे होगी जो कि लिस्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, अभी यहाँ तो मुझे नहीं पता, मोबाइल में फ़ौरन आता है वो, ऐड अ मिसिंग प्लेस करके आ रहा होता है, तो वो मैं ऐड करूँगा, वो 4-5 बातें पूछता है और ऐड कर देता है, 2-4 दिन में वो पब्लिक हो जाता है। तो आप किसी भी बिज़नेस के पास जाएंगे ना, और यानी जो लोग कहते हैं ना कि यार जॉब्स नहीं होती और ये नहीं होता वो नहीं होता, रोना गाना कर रहे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी है मेरा कि जी आप किसी भी दुकान में जाएंगे, फ़ोन सब लोगों के पास है, नहीं है तो उसी का ले ले भाई फ़ोन। उसी का ही फ़ोन ले ले कि यार आपका फ़ोन अच्छा है, अगर आपके फ़ोन से अच्छी फ़ोटो आ जाएगी, तो अच्छी सी फ़ोटो ली आपने, बाहर से अंदर से चेयरों की, काउंटर की, बंदे की भी फ़ोटो ले ली आपने, उसका फ़ोन नंबर पूछा, उसकी टाइमिंग पूछी, दैट्स इट। आपने इधर ला के लिस्ट कर दिया उसको, और आपने उससे 1000 का नोट पकड़ लिया। अच्छा आमतौर पर जो लोग जो थोड़े इलिटरेट होते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है यार कि मेरा, मेरी दुकान गूगल पे आती है, अरे भाई उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, वो तो 1000 नहीं आपको 10,000 भी देगा। जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था कि जी आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाएं, आप बोलें यार आपको मैं वेबसाइट बना के दूंगा, आपकी दुकान की वेबसाइट, आप फ़ोटो खींच लें उसकी, आप उसकी वेबसाइट उसको बना के दें, पैसे देगा वो, क्यों नहीं देगा यार। अच्छा वो नहीं, अगर उसको नहीं पता वो वर्थ नहीं है, या वो बहुत बिजी है, या उसके पास बहुत बिजनेस आ रहा है, वो आपको मुंह नहीं लगा रहा, तो आप दूसरे के पास चले जाएं। कितनी दुकानें हैं यार, लाखों की तादाद में दुकान है कराची में मौजूद है, लाखों की तादाद में ऐसी दुकानें जो इधर नहीं है, गूगल पे नहीं है,
आप करें, ये तो कोई स्कूल का बच्चा भी कर सकता है, साइड हसल बता रहा हूँ, ये कोई भी बच्चा कर सकता है जो थोड़ा बहुत, जिसको फ़ोन है जिसके पास और घर पे वाईफाई लगा हुआ है, वो फ़ोटो खींच के पेपर पे आप नोट करके गए डिटेल, वो तो पता है आपने क्या क्या पूछना है, एक दफ़ा खोल के देख लें क्या क्या पूछता है, पेपर पे नोट किया, घर जाके आपने लिस्टिंग कर दी उसकी। अच्छा, आप क्या होता है कि जब चार पाँच दुकानें आप लिस्ट कर लेते हो ना, फिर आपको वो एक लेवल बढ़ा देता है आपका, क्योंकि मैंने अपने पूरे मोहल्ले की दुकान फ्री में लिस्ट की थी एक दफ़ा, तो अब मैं जब ऐड करता हूँ ना, तो वो अगले दिन रात को ही जो है वो लाइव हो जाता है, या अगर मैंने सुबह किया है तो रात को ही लाइव हो जाता है वो, तो वो इसमें पॉइंट्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं ना जब आपके, तो आपको फिर समझता है क्रेडिबल बंदा है, हाँ, ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है इसके ऊपर आपका ना, एक पॉइंट्स होते हैं, वो आपको बोलता है कि भाई लोकल गाइड है, फिर पता नहीं वो सीनियर गाइड है, पता नहीं इस तरह करके इसमें बैजेस होते हैं, तो वो आपको वंस मिल जाता है तो आपका फिर अप्रूवल भी फ़ौरन होता है, तो आप वहीं खड़े खड़े भी ऐड करेंगे ना, और फ़ौरन ऐड होगा वो, तो ये तो बड़ा अच्छा हो सकता है। पार्क्स होते हैं बहुत सारे, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई बंदा है सुबह सुबह दुकान खोलता है लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सुबह दुकान खुली हुई है, कोई बंदा रात को देर तक दुकान खोलता है, उसकी टाइमिंग या लिस्ट होनी चाहिए, तो इससे आपका भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है, पैसे अलग आएंगे। तो अब हमने ये देख लिया कि जी हमें ना एम्बेड वाला जो कोड है वो गूगल ना अलग से देता है, सही है, एम्बेडेड वाला कोड जो है वो गूगल अलग से देता है, और यहाँ पे देखें अच्छा सा कोने में ये बना के भी दे दिया इसने, और यहाँ पे ये मूवेबल भी है, ये आपकी वेबसाइट है, अब इसमें ज़रा मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ ताकि ये फील आए बाकायदा कि ये आप ही की वेबसाइट है। सही है, विर्थ मैं इसकी 100% कर देता हूँ ताकि जितनी भी अवेलेबल विर्थ तो सब ले लीजिए। ठीक है जी, इस वाले को जो है ना, मैं इस वाले आई फ्रेम को मैं कमेंट कर देता हूँ जो बुक से मैंने कॉपी किया है। अब जी ये आपका हो गया, अब ये आपकी वेबसाइट शुरू हुई, लास्ट में आपकी वेबसाइट के ना किसी भी साइज़ का आप ये लगा सकते हैं, अभी मैंने इसको 100% विर्थ कर दी है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जब स्क्रॉल करता हूँ ना तो ये आता है, क्योंकि माउस से स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसने बोला भाई कंट्रोल पकड़ के ना आप स्क्रॉल करें तो फिर वो होगा, मैंने कंट्रोल प्लस किया तो आप देखें ये स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, और इसको अगर क्लिक करके पकड़ता हूँ तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने सब कुछ ऑटोमेटिकली किया हुआ है, ख़ुद से किया हुआ है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे छोटा सा बटन भी दिया हुआ है इन्होंने कीबोर्ड शॉर्टकट्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट दिखा रहा है, ये सब लेकिन हमने नहीं किया, ये गूगल ने खुद एम्बेडेड जब हम करते हैं तो वो अलग कोड हमें देता है और उसमें ये सब कुछ पहले से हुआ हुआ होता है। इसी तरह किसी भी चीज़ को आपने अगर अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करना हो, किसी भी वेबसाइट को, जैसे अगर मैं फेसबुक को एम्बेड करूँगा ना वो नहीं होगा, ठीक है, फेसबुक को अगर मैं अपनी वेबसाइट पे एम्बेड करूँगा वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक आई फ्रेम लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी https://facebook.com, सही है, अब खुल जाना चाहिए होम पेज इसका फेसबुक का, लेकिन नहीं खुलेगा ये, ठीक है, ये देखें आप रिफ्यूज़ टू कनेक्ट बोल दिया इसने, नहीं खुला facebook.com। अच्छा, लेकिन अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ फेसबुक एम्बेडेड लाइक बटन, आपने देखा होगा अक्सर वो छोटा सा लाइक का बटन आ रहा होता है, तो ये इन्होंने बना के दिया हुआ डेवलपर ऑप्शन पे कि जी आप ना जाके ये एम्बेडेड कोड आपको दे देगा, ये रहा, ये कह रहा है कि जी वो लाइक बटन आप बता दें कि कौन से का लाइक बटन होगा, URL कौन सा है, तो मैं अपना पेज खोल लेता हूँ फेसबुक का, यहाँ पे मैंने कहा जी facebook.com/ मेरा नाम, सही है जी, ये मेरा मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे facebook.com। अब हम क्या करते हैं, ये देखें यहाँ पे इन्होंने ये पेस्ट किया नाम आके, मैंने ये आगे वाला ये क्वेश्चन मार्क तक हटा देता हूँ मैं। अच्छा, स्टैंडर्ड लेआउट बटन का साइज़ क्या होना चाहिए जी, लार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ये नीचे प्रीव्यू भी आपको दिखा रहा है, स्टैंडर्ड है या बॉक्स काउंट है, इस तरह का वो बॉक्स बना हुआ आ रहा हो,
या इसके अंदर जी बटन काउंट आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, ठीक है, सिर्फ बटन आ रहा हो, फॉलो और शेयर आ रहा हो, ठीक है, फॉलो के साथ काउंटिंग भी आ रही हो, स्टैंडर्ड आ रहा हो, ठीक है, ये पूरी लाइन लिखी भी आ रही है इसके साथ। तो मैंने कहा कि जी बॉक्स और काउंट दे दो, ये दो चीज़ें दे दो। अच्छा, विड्थ इसकी कितनी हो? मैंने कहा भाई 300 पिक्सल हो, 300 लिखते हैं जस्ट, क्योंकि पिक्सल तो लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है, या इसको मैं 600 कर दूँ अगर, यानी इस पूरी पट्टी की विड्थ है वो एक्चुअली इनविजिबल पट्टी है अभी, वो दिख नहीं रहा। एक्शन टाइप क्या हो, मतलब बटन दबाने से क्या हो, लाइक हो या क्या हो, रेकमेंड का भी हो सकता है कि जी रेकमेंड, रेकमेंड से क्या होता है, वो रिव्यू ले रहा होता है एक्चुअली। तो ये हो गया जी, तो मैं इसको वापस लाइक पे ला के और गेट कोड का बटन जैसे ही दबाता हूँ तो मुझे देखें ये कोड बना के दे देता है। लेकिन इसने मुझे जो कोड दिया है, आप नोट करें, वो आई फ्रेम नहीं दिया, वो इसने दिया है मुझे एक डिव और ये दूसरा डिव। इसने कहा भाई पहले आप बनाओगे ये वाला डिव, ठीक है, कह रहा है इंक्लूड द जावास्क्रिप्ट SDK ऑन योर पेज वंस, आइडियली राइट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ बॉडी टैग। कह रहा है कि बॉडी का टैग जैसे ही ओपन होता है ना, वहाँ पे आपने ये लगाना है, ठीक है। और स्क्रिप्ट के साथ ना इन्होंने async लगाया हुआ है, async का मतलब भी यही होता है कि ये थोड़ा देर में लोड करे उसको, लेकिन इट डजेंट मैटर, ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि जी आपने वो बॉडी के शुरू में ही लगाना है, जावास्क्रिप्ट के लिए रेकमेंडेड है कि बॉडी के लास्ट में लगाना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, बॉडी के लास्ट में लगाऊँगा जाके, ये मेरी बॉडी यहाँ ख़त्म होती है ना, मैं इसको इधर लगाऊँगा, ठीक है, ये बॉडी के ख़त्म होने पे मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, अब क्या होगा उसके बाद, उसके बाद इन्होंने कहा भाई ये डिव एक और है, ये पकड़ो आप इस डिव को, और इस डिव को किधर लगा दो आप, जहाँ पे आपने लाइक का बटन दिखाना है। मैंने लाइक का बटन दिखाना है अपने पेज के टॉप पे, हेडिंग से भी पहले दिखाना है, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब हो सकता है ये वर्क ना करे, हो सकता है ये ना चले, उसका रीज़न ये है कि जो है ना, हाँ नहीं चलेगा यार, इस पर कुछ ऐसा तो नहीं है। ये डिव असल में मैंने पहले लगा दिया और वो जावास्क्रिप्ट मैंने बाद में लगाई है, लेकिन इस डिव में ऐसा कुछ है नहीं कि जब तक वो जावास्क्रिप्ट लोड ना हो तो मसला करे। वेल, चला के देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो जो उन्होंने बताया उस तरह करके चला लेंगे। फिर रिफ्रेश किया मैंने, ये मेरी वेबसाइट आ गई, इस पर आप देखें ये फॉलो का और शेयर का बटन आ गया। अब जब मैं शेयर का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं इस वक्त लॉगिन नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे वो जो ऑटोमेटिकली जो प्रोसीजर होता है इसका, लाइक शेयर का फेसबुक का, वो हो गया। तो हमने ये देखा है कि जी आई फ्रेम भी एक तरीका है किसी वेबसाइट को एम्बेड करने का, लेकिन आई फ्रेम वाले तरीके को अब लोग डिस्करेज करते हैं क्योंकि उसमें कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, ये क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, वो नेटवर्क सिक्योरिटी वालों की फील्ड है, वो साइबर सिक्योरिटी वालों की फील्ड है, तो वो डिसाइड करते हैं कि जी क्या करना है। अच्छा, फेसबुक का लाइक बटन मैंने एम्बेड करना है, फेसबुक से पूछूंगा जी आप बता दो कैसे होगा, फेसबुक बोलेगा भाई ऐसे कर लो आप, मैं वैसे कर दूंगा, दैट्स इट। अब वो फेसबुक के अंदर जो बैठा हुआ बंदा है ना नेटवर्क सिक्योरिटी का, वो ये देखेगा कि अच्छा भाई क्या मसला है इसमें, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। वो मेरा मसला नहीं है, मैं एज अ डेवलपर जो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से बताएंगे ना जी ऐसे होता है, मैं वैसे कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह ये इंस्टाग्राम का भी लाइक शेयर का बटन होता है, ये जितने भी सोशल मीडिया सबका ये बटन होता है, तो सारे बटन आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई और ऐसी चीज़ जो एम्बेड होती है, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, कोई और ऐसी चीज़ बताओ जो एम्बेड हो जाती है, पोस्ट एम्बेड हो जाती है फेसबुक की पोस्ट, हाँ ट्विटर की पोस्ट, ट्विटर की ट्वीट एम्बेड हो जाती है, एम्बेडेड ट्वीट लिख देते हैं हम, ठीक है, एम्बेडेड ट्वीट लिखा है मैंने, तो ये लिखा हुआ आ गया जी पब्लिश। वुड यू लाइक टू एम्बेड, इसने पूछा कि जी आप मुझे वो URL बता दो कि कौन सा जो है ना आपने वो को करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी MKBHD ट्विटर, ये काला बच्चा है हमारा, इसकी हम देखते हैं YouTube की वीडियोस, तो इसका ट्विटर खोलते हैं आज। ठीक है जी, ये इसने जो है ना एक, अच्छा नहीं ये तो कोई प्रोमोशन लगी हुई है। अब ये एक इसकी ट्वीट है, राइट, इसकी ट्वीट का जो है मुझे एम्बेडेड तो यहीं पे शो कर रहा है, ये रहा एम्बेड तो यहीं पे शो कर रहा है, तो बस यहीं से एम्बेड दबा देते हैं, उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ गया जी एम्बेड, इस तरह से बनकर आएगा ये, ये इसका कोड इसने मुझे दे दिया, इसने कहा जी ये लो आप, आ गया कोड आपका। कॉपी किया मैंने कोड को, कॉपी करके मैंने इधर जाके पेस्ट कर दिया,
आई फ्रेम के नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं। अक्सर आपने आर्टिकल्स में देखा होगा ना, ये ट्विटर को उन्होंने कोट किया हुआ होता है। सही है, ट्विटर एम्बेडेड ट्वीट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इन्होंने बड़ा सारा कोड दिया है, इन्होंने ब्लॉक कोड करके दिया है और एक इन्होंने जावास्क्रिप्ट भी दी है साथ में ना। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट आप अलग से भी लगा सकते हैं, साथ में इसके लगा दें तो भी ठीक है। आपने देखा फेसबुक ने अपनी अलग जावास्क्रिप्ट दी, इसने अपनी अलग जावास्क्रिप्ट दी है। यहाँ पर वो URL लगा हुआ है सारा का सारा। और अब आके जी देखते हैं हमारी वेबसाइट पर ये दिखता कैसा है। रिफ़्रेश किया मैंने, ये मेरा गूगल मैप दिख रहा है, ये मैंने जो facebook.com लगाया था जो रिफ्यूज़ हो गया, और ये थर्ड नंबर पे ये ट्वीट मेरी नज़र आ रही है। सही है, ये ट्वीटेड एम्बेडेड ट्वीट जो लिखा था, ये facebook.com वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, ये ट्विटर मेरा जो है ना आ गया है, यहाँ पे ट्वीट होके आ गया एम्बेड। अच्छा, यहाँ पे ये बिल्कुल ये वीडियो प्ले भी होगी, सब कुछ होगा, जो भी होता है यहाँ पे वो सब होगा, यानी जो जो आप देखते रहें। ठीक है, डेली आप लोग सब इंटरनेट के यूज़र हैं, आपको पता है कि ये किस तरह से काम करता है, क्या होता है, तो वो करेगा उसी तरह से काम। ठीक है, तो जो भी चीज़ एम्बेड करनी है ना आपने, उसका अगर ऑफिशियल कोई तरीका मौजूद है तो ही आप कर सकते हैं उसको। अदरवाइज़ वो आई फ्रेम में तो कुछ भी लगा सकते हैं आप, वो तरीका डिस्करेज किया जाता है। बहुत कम ऐसी वेबसाइट है जिसको आप अगर एम्बेडेड में खोल देंगे तो वो खुलेगी, बहुत कम ऐसी वेबसाइट है, ज़्यादातर वेबसाइट रिफ्यूज़ कर देगी जी। हाँ, ये इसमें तो आई फ्रेम नहीं दिया इन्होंने, मैं यही तो बता रहा हूँ, देखें इसमें इन्होंने दिया ब्लॉक कोड करके। ये तो ये ना ट्विटर वाले, ट्विटर की कंपनी के अंदर बैठा हुआ जो साइबर सिक्योरिटी का बंदा है ना, जो नेटवर्क सिक्योरिटी का बंदा है, वो सोचेगा कि यार अच्छा ट्विटर को मैं क्या आई फ्रेम में लगने दूँ या इसमें कोई इशू हो जाएगा बाद में, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो, तो उसको डिसाइड करके ना ट्विटर वाला सोचेगा जी बेस्ट तरीका क्या है। आप देखें फेसबुक ने जो तरीका दिया वो इससे मुख्तलिफ था। फेसबुक ने बोला है कि भाई आप एक स्क्रिप्ट लगाओ और एक आप डिफ बनाओ, खाली डिफ, जिसमें आप लिखो FB रूट। इन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ दिया उससे, तो दोनों की अपनी अपनी रिसर्च है, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी में अभी तक ना कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए थे, तो वो ऐसे ही चल रहे हैं सारे ना, मतलब अपनी अपनी सोच के तहत चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब यूनिवर्सिटीज़ में ये आ गए हैं कोर्सेज पूरी दुनिया में ना, तो कुछ अरसे में ये इन चीज़ों का स्टैंडर्ड बन जाएगा। मे बी ऐसे प्रोटोकॉल्स कुछ आ जाएं जिसमें वो एक सेम हो जाइए, आई फ्रेम के रिप्लेसमेंट में ना कोई ऐसा दूसरा टैग या दूसरा कोई प्रोटोकॉल आ जाए, मे बी। तो ये हमने जी आई फ्रेम को हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा कि जी वेबसाइट पे जो आमतौर पे ऐड चल रहा होता है, वो ऐड आया कि वो भी क्या आई फ्रेम होता है या वो भी एम्बेडेड? एम्बेडेड तो वो होता है, सही है, एम्बेडेड वो इसलिए होता है क्योंकि उतनी विंडो में ना वेबसाइट का जो ऑनर होता है वो नहीं कंट्रोल करता है कि इधर क्या आएगा, वो बस बता देता है कि इधर लगा दो लागे ऐड। ठीक है, आमतौर पर अगर हम गूगल एड्स की बात करें, देखें ऐड का जो पूरा सिस्टम है ना, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर समझने की बात है कि इंटरनेट जो चल रहा है ना इस वक्त पूरी दुनिया में, जो इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है इंटरनेट, जिसको हम शुरू में हमने इंटरनेट की हिस्ट्री को देखा था जो पहली दूसरी क्लास में, कि जी वो इंटरनेट होता क्या है, वो चलता कैसा है, उसको इंटरनेट कहते क्यों है, ये सारी बातें। तो आप लोगों को ये बात पता है कि इंटरनेट इज़ नथिंग बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल, जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25 कंप्यूटर हैं, तो पहला कंप्यूटर बाकी के 24 से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा जो है वो बाकी के 24 से जुड़ा हुआ है, तो ये एक मैश बन जाता है, ये मैश है, तो इसको अगर आप देखें तो ये एक जाल की सूरत अख्तियार कर जाता है, अगर आप ऐसे सीधी सीधी लकीरें खींचें तो इस जाल की वजह से इसको नेट जाल को कहते हैं, सही है, या वेब मकड़ी के जाले को कहते हैं, तो उस तरह की एक शेप बन जाती है। तो ये जो इंटरनेट है, ये जो वेब है, ये इसका जो मोनेटाइजेशन मॉडल है, जो इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, नंबर एक एडवर्टाइजमेंट, नंबर दो सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर ना मोनेटाइजेशन का कोई तरीका नहीं है, या तो एडवर्टाइजमेंट या तो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब सेल्स, यानी कि तो पहले सब्सक्रिप्शन को हम देखते हैं। अब जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स क्या होता है जी, एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाते हैं, जब तक आप पैसे नहीं पे करते वो कुछ नहीं दिखाता आपको, तो वो सब्सक्रिप्शन है या सेल्स है। या आप जाते हो
अमेजोन पे या दराज पे आप जाते हो, वो एक वेबसाइट बनी हुई है, तो उसका जो मोनेटाइजेशन है वो क्या, वो एक्चुअल प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो वेबसाइट, उसके मतलब समझ लें काम की चीज़ है। एक जैसे एक दुकान वाले ने बंदा रखा होता है सफाई वाला, कि जी ये तो मेरे काम करेगा, ये पैसे देता है उसको, तो वो उसकी मोनेटाइजेशन एक्चुअल वो प्रोडक्ट सेल करता है, प्रॉफिट होता है उससे, दैट्स इट। तो अमेजोन दराज ये एक्चुअल प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे इनको प्रॉफिट होता है, या कोई सेलर आके इस पे सेल करता है उससे भी प्रॉफिट लेते हैं। तो ये एक्चुअली वो सेल्स और सब्सक्रिप्शन वाले डोमेन में फॉल करता है, ये जितने भी ऑनलाइन चीज़ें सेल हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कोई ऐप आपने डाउनलोड की, या कोई वेबसाइट है ऐसी जो कोई ऐप है, जो मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट पे आप गया जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है कोई बहुत ही अच्छा किस्म का, वहाँ पे आप गया, उसने बोला जी जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपको मैं एक बटन भी दबाने नहीं दूँगा, या सम टाइम होता है 2-3 दिन का ट्रेल दे देते हैं उसके बाद कहते हैं जी पैसे दो आपको, तो वो पेड होता है। VPN बहुत सारे होते हैं, सारे पेड होते हैं, पैसे देंगे सब्सक्रिप्शन मिलेगी तो चलेगा वो, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत सीधा सीधा है, बहुत अच्छे से समझ आता है। नंबर दूसरा जो तरीका है ना, जो कि 80% इंटरनेट उसको फॉलो कर रहा है, बाकी 20% सब्सक्रिप्शन और सेल्स पे चल रहा है, 80% जो एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा है। अब एडवर्टाइजमेंट का चक्कर क्या होता है जी, कि यही वो दुकानें जो सब्सक्रिप्शन बेचती हैं ना, या जो सेल चला रही होती हैं इंटरनेट पे, सेल्स हो रही होती हैं जिनकी, यही 20% जो है, या फिज़िकल बिजनेसेस जो इंटरनेट के ऊपर जस्ट उनकी एक वेबसाइट है लेकिन वो फिज़िकली काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन काम कुछ भी नहीं होता उनका, फिज़िकली वो चीज़ें बेच रहे होते हैं, तो ये लोग इंटरनेट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट का क्या चक्कर होता है ये भी आप अच्छे से समझ लें। जो एडवर्टाइजमेंट कोई आज की बात नहीं है, ये कोई 300-400 साल पुरानी चीज़ है। जब पहली दफ़ा प्रिंटिंग प्रेस आया तो उस वक्त एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई थी, बल्कि मैं उससे भी पहले हो गई थी, वो वॉल चॉकिंग वगैरह तो बहुत ज़माने से होती है। तो यानी इवन रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी क्या होता था, वो झंडे वंडे बना के ना हर ट्रूप अपने साथ झंडा लेके घूमता था, या वो कश्ती पे उन्होंने ख़ास किस्म का एक वो बनाया होता था कि वो दूर से ही एडवर्टाइज़ हो जाता था, अच्छा ये फला बंदा आ रहा है ना, वो कुछ ख़ास किस्म के कबीले होते थे, तो उनका एक ख़ास लोगो होता था। हमारे यहाँ भी वो अलग अलग बटालियन है, उसके अलग अलग वो फ्लैग्स भी होते हैं, आर्मी वगैरह में भी आपने देखा है, तो वो दूर से ही बंदा डर रहा है, तो वही फ्लैग आ रहा है जिसने हमें पहले मारा था, तो वो पहले डर जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट बड़ी पुरानी चीज़ है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो वो पेपर छाप के और वो जहाज़ से बांटा, वो मस्जिदों में पंफलेट बांटना शुरू हो गया, उसके बाद रेडियो आया तो उस पर एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई कि जी आप टैंक पी लें गर्मी में, गर्मी दूर भगाए, और जो आप स्लाइस का जूस पी लें आप, ठीक है ना, और आप ये जो फला गाड़ी ख़रीद लें, तो वो ये एडवर्टाइजमेंट रेडियो पर भी चलती रही है। फिर टीवी आया तो टीवी पर भी बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट चलती रही है, आपने देखा है जब भी कोई प्रोग्राम देख रहे हो 17 बीच में वो ऐड दिखा रहे होते हैं आपको, थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद ना, और वो एक सर्टन पॉइंट पे ऐसी जगह पे ब्रेक देते हैं कि आप उठ के जा नहीं सकते, तो वो आपको ऐड दिखाते हैं। अच्छा, उस एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, जो जैसे अब शैम्पू वगैरह है, सनस्लिक है, लक्स है, इनकी सेल्स होती हैं एक्चुअली, जो प्राइम टाइम में इन लोगों के ज़्यादा ऐड चल रहे होते हैं सर्फ एक्सल वगैरह के, तो वो जी आपको दिख रहा होता है, आप जब भी दुकान में जाते हैं आपके जहन में ये सर्फ एक्सल ही का नाम आता है, आप बोलते हैं ये, दैट्स इट। कोई ऐसा वहाँ पे प्रोडक्ट पड़ा होता है जिसका आपने कभी ऐड नहीं देखा होता, तो आपको लगता है कि जी ये प्रोडक्ट पता नहीं कैसा होगा, ठीक है, ये तो टीवी पे ऐड हो सकता है, ये इसी दुकान में बिक रहा हो, कहीं बिकता ही ना हो, तो आप उसके बारे में तशवीश का शिकार होते हैं, ठीक है, अगर उसमें एडवर्टाइजमेंट किसी की नहीं चल रही होती। तो इस एडवर्टाइजमेंट से अल्टीमेटली जो है इन कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होता है, और नेशन वाइड ये करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, एक एक दिन के ऐड के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च करते हैं ये। इवन एक कंपनी के साथ काम करने का इतफाक़ हुआ एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे जो बिल बोर्ड्स लगाते हैं, तो मेरे लिए एक बहुत हैरानी की बात थी कि आज से शायद 5-6 साल पहले की बात है, ये जो शारा फैसल पे लगा हुआ जो एक बिल बोर्ड है ना, इसका एक दिन का रेंट 80-90 हज़ार रुपये, 1,20,000, 1,30,000 तक होता है, यानी ये शुरू ही 30-40 हज़ार पर डे से होता है, और ये जाता है 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 पर डे तक भी जाता है, जो बड़ी शाराएँ होती हैं, या जो 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 जैसे आप डिफेंस का कोई पोश इलाका है, न्यूप्लेक्स है उसके सामने जो लगा हुआ है, या एयरपोर्ट से निकलते ही जो आपको दिख रहा होता है वो बड़ा महंगा होता है, या इवन एयरपोर्ट के अंदर भी जो स्क्रीन्स आजकल आप देखा है वो लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं, पूरी दुनिया में हो रही है। तो जी वो स्पॉट, कुछ स्पॉट होते हैं बड़े महंगे होते हैं, एयरपोर्ट के लिए बंदा जब गेट पे बैठा हुआ होता है जब जहाज़ में एंटर होने के लिए, तो वहाँ पे वो 2-4 LCDs लगी होती हैं, वो स्पॉट बड़े महंगे होते हैं, कि जी वो जो एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होगा ना, वो फ्रीक्वेंटली उस ऐड को देखेगा, तो
तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर को क्या क्या चाहिए होता है, इंश्योरेंस चाहिए होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस, सस्ते टिकट कहाँ से मिलते हैं, टिकट आमतौर पर बड़े महंगे होते हैं, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, इससे कम के तो नहीं होते जहाज़ के टिकट, फिर वो इंटरनेशनल टिकट 2-2, 3-3 लाख के, 4-4 लाख के होते हैं जी, वो सस्ता उमरा, सस्ता हज और वो सारे वो एड उस पर चल रहे होते हैं। तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट जब होती है तो अल्टीमेटली कंपनीज़ को बड़ा फ़ायदा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैसे अच्छे खासे, आम तौर पे ऐसा देखा गया है कि कोई भी कंपनी, जो बड़ी कंपनीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे PIA itself एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, और जैसे ये सनस्लिक वगैरह जो शैम्पू, सर्फ एक्सल, ये रैकेट, बैनकीज़र वाले जो हैं, ये बड़ी कंपनीज़ हैं, ये अपने रेवेन्यू का 70% हिस्सा जो है, इनका जो रेवेन्यू होता है टोटल, उसका 70% हिस्सा एडवर्टाइजमेंट पे लगाते हैं, बाकी 30% से पूरे ऑपरेशंस भी रन होते हैं, सैलरीज भी जाती हैं, सब कुछ होता है। तो आप अंदाज़ा हुआ आपको कि यार एड बहुत एक एक जो है ना बहुत महंगी चीज़ है। सर सारी बातों से एक चीज़ वाज़ हुई कि यानी हर एक बंदे को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत उसको अगर पड़ी है जब उसको ट्रैफिक की ज़रूरत पड़ी, ट्रैफिक की ज़रूरत पड़ी बिल्कुल, और जब उसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी ये कहा जाता है, मैंने इसके बारे में ये सीखा भी है कि जिस बंदे के पास कस्टमर है वो मार्केट का किंग कहलाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और कस्टमर कैसे खींच के लेके आना है वो एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज और एडवर्टाइजमेंट जिस बंदे को करने आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आता है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके जाता है। जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं, बड़ी कंपनीज जो अपने रेवेन्यू का आधा से ज़्यादा हिस्सा अगर वो एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है तो उसका मकसद यही है कि वो जितना लगा रहा है उससे 3-4 गुना ज़्यादा वो उससे कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यही चल रहा है, हाँ नहीं एडवर्टाइजमेंट, ये तो कंपनी के पर्सपेक्टिव में आपने बात की ना कि जिसके पास कस्टमर है वो किंग है, जो बंदा लाना जानता है वो किंग है सबसे बड़ा, और इवन किंग को भी ये चाहिए होता है। जो आप देखें, वो हिटलर ने ना 4-5 मिनिस्टर भर्ती किए हुए थे, उसको उसका एक नाम होता है, उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, यानी किसी भी बात को प्रोपेगेट कर, क्योंकि उस ज़माने में तो रेडियो वेडियो का ज़माना था हिटलर का, वो टीवी तो शायद नहीं था उस वक्त, या मे भी बिल्कुल नया नया आया होगा, तो वो किसी भी चीज़ को प्रोपेगेट करना है अगर, वो बड़ा मुश्किल काम होता था यार उस ज़माने में। आजकल तो जी ये वो जो 200 चैनल हैं हमारे, तो वो 200 चैनल पे एक साथ ऐड चला तो गेम ओवर, सब जगह पहुंच गई बात। और टीवी तो आजकल वो देहात में भी आ गई है कि जी वो किसान हल चला के आता है तो वो टीवी उसके पास मौजूद है, या वो नहीं है तो ये चला। हाँ अभी मैं उस पर आता हूँ कि इंटरनेट पे जो एडवर्टाइजमेंट है, तो बहरहाल वो रखते थे प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते थे उनके पास। अभी भी जो डिक्टेटर्स जितने भी हैं ना उनके पास तादाद में ये लोग होते हैं मौजूद। हमारे पास को क्या कहते हैं पाकिस्तान में, मुझे उसका वो नाम नहीं पता, लेकिन हिटलर के ज़माने में और इवन दो ये अमेरिकन जो प्रेजिडेंट है जेन एफ कैनेडी वगैरह, ये इनके भी तो वो इनके पास भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होते थे। वो किसी भी चीज़ को प्रोपेगेट करना है ना, तो कैसे वो प्रोपेगेट करना है, वो एक अमेरिकन प्रेजिडेंट था, उस वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था ना, वो थोड़ा नरम था, तो थोड़ी उसकी वो मतलब इमेज ऐसी थी ना कि वो थोड़ी जनाना इमेज बन गई थी किसी वजह से। तो वो क्या कहते हैं, वो अभी मैं बीच में एक वो देख रहा था, किसी का लेक्चर देख रहा था एडवर्टाइजमेंट का, तो वो जिक्र कर रहा था कि जी वो कोई उस ज़माने में क्या कहते हैं, कोई परफ्यूम था, उसका किसी ने ऐड चलाया अमेरिका में ना, जैसे आजकल तो अमेरिका में लड़कियां सिगरेट वगैरह पीती हैं नॉर्मली, लेकिन एक ज़माने में इंडिया जो अमेरिका में लड़कियों का सिगरेट पीना ना बहुत टैबू समझा जाता था, हमारे में तो कुछ भी नहीं है, वो टैबू समझते थे, और वो कपड़े वगैरह जो आजकल वो छोटे कपड़े उनके यहाँ कॉमन है बड़े, तो वहाँ तो ये होता था जब तक वो पूरा वो फ्रॉक उनका जो ट्रेडिशनल है ना वो अगर ना पहनो उनको चर्च में घुसने भी नहीं देते थे, वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम थे। तो वो सिगरेट की कोई कंपनी थी, तो वो उसमें किसी कोई बंदा था एडवर्टाइजमेंट का, तो उसने वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट की ना कि जी वो उसने वो टैग लाइन चलाया कि जी आप मर्दों से अपने आप को आज़ाद करें, और वो सिगरेट पीते हुए ना, तो मतलब औरतों ने उसको पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ट्रिक्स हैं, ये पूरी इसकी पढ़ाई है मास कम्युनिकेशन के अम्ब्रेला में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है ये एडवर्टाइजमेंट। तो भाई वो तो एकदम 2-4 साल में ना डायनेमिक्स ही चेंज हो गई कि वो लड़कियों ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। जाहिर है लड़कियों की पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन तो ख़वातीन की होती है ना कम से कम, तो वो आधी वो आ गई मार्केट अंदर आ गई, कस्टमर खींच के ले आया वो। तो वो उसको ना उसने प्रेसिडेंट ने अप्रोच किया, उसने कहा यार ये मेरी भी इमेज ज़रा थोड़ी ऊपर नीचे है मार्केट में, तो मेरी भी ज़रा इमेज को कुछ सही करो ना, कुछ करो इसके लिए, हाँ मेरी भी कोई ऐसी चलाओ कोई मार्केट में ऐसी चीज़
कि मेरी इमेज सही हो जाए। तो फिर उसने कुछ किया था, वो मैं अभी मेरे जहन में नहीं है उस बंदे का नाम, लेकिन वो बहुत बड़ा पाइनियर था, उसकी बुक्स हैं आज भी, उसकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं। तो उसने वो एक किया था, एक उसको कुछ एडवाइस दी थी, कुछ स्पीच करते हुए ना कुछ उसको बोला था कि यार ऐसी बात आपने बोलनी है, डांटना है सामने से। तो वो बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा उस पर स्कैंडल भी बना था, लेकिन वो असल में प्लान था, वो उस बंदे ने बताया था, और उससे वाकई उसकी इमेज सही हो गई। लोगों ने कहा यार ये भी जो है ना वो मतलब सैवेज है बंदा, हम इसको समझते हैं ऐसी नरम है ये भी सैवेज है, तो ये उसकी इमेज सही हो गई उससे। तो ये एडवर्टाइजमेंट की ना बड़ी वैल्यू है। अच्छा, तो ये आपने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट में ना सिर्फ सेल्स की तरफ तवज्जो होती है, बल्कि सेल्स के अलावा आपके जहनों में किसी नाम को डाला जाता है, जैसे सर्फ एक्सेल के नाम को। अभी मैं जो सर्फ एक्सेल की मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्फ एक्सेल का ऐड देखता रहा हूँ। आपके जहनों में किसी नाम को डाला जाता है, आपके किसी बंदे की इमेज बनाई जा रही होती है आपके सामने, या आपके माइंड की प्रोग्रामिंग की जा रही होती है डिफरेंट तरह से, आपके पसंद और नापसंद को चेंज किया जा रहा होता है, आपके पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जा रहा होता है। अभी ट्रंप के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि जो है ना वो जर्मन हैकर्स के साथ मिलके और उसने वो कोई कंपेन चलाई थी, और उससे उसने पब्लिक ओपिनियन चेंज करके इलेक्शन को जीता था, ठीक है। और ये बाद में साबित भी हुआ, उसने भी इकरार किया कि हाँ ये मैंने किया था। फिर वो बंदे भी पता चल गया कि जी इस कंपनी से करवाया था, इसको यहाँ यहाँ से पैसे दिए थे, वो सारी बात खुल के सामने आई। तो वो पब्लिक ओपिनियन उसने चेंज किया था, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी आपने देखा, इस दफ़ा जो इलेक्शन होने थे वो मनसूख हो गए, उसमें आपने देखा था वो सारे यूट्यूब पर ऐड चल रहे थे, चाहे वो, अभी मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा यार, लेकिन तमाम लोगों ने ना छोटे कहीं ना कहीं ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सबके ऐड आपको देखने में मिले, सही है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जस्ट वो अखबार वगैरह में देते थे, वो रोड पे निकल के दौड़ रहे होते थे झंडे लेके बस, हाँ। अब उनको भी अकल आ गई, अब उन्होंने कहा यार ये फेसबुक पे और ना यूट्यूब पे होती है ऐसा लवाम, तो यहाँ से हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी सारे मकासद होते हैं जो अचीव किए जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जी आपका जो 20% इंटरनेट है वो चलता है सब्सक्रिप्शन पे, पेड सब्सक्रिप्शन पे और सेल्स पे, बाकी का 80% जो इंटरनेट चलता है हमारा वो चलता है एडवर्टाइजमेंट पे। और फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो आमतौर पे वो अपना जो रेवेन्यू कमाती हैं वो एडवर्टाइज़ करके। जी अच्छा जी, आपके पास आपकी वेबसाइट पे डेली बेसिस पे अगर 10,000 यूज़र आते हैं, तो वो 10,000 यूज़र उस ऐड को देखेंगे, उस ऐड को देखने पे आपको कुछ ना कुछ पैसे वो दे देगी कंपनी। जाहिर है कहीं बिलबोर्ड लगाएगी वहाँ भी उसने पैसे देने, कहीं भी एयरपोर्ट पे लगाएगी ऐड वहाँ भी उसने पैसे देने, कहीं अखबार में भी देने। तो वो कहती है जी किसी की वेबसाइट पे जगह खाली है, उधर लोग आते हैं, आपका ऐड भी देखेंगे, वहाँ भी पैसे दे देते हैं आपको। इवन दो अब तो ये होता है कि जो सिनेमा में भी वो पहले ना ऐड चलाते हैं, वो मूवी देखने बैठा ना बंदा जाके, पहले वो ऐड चलाते हैं, मैंने कहा यार पैसे दे के भी ऐड देखने पड़ रहा है ना। तो ये वाला हाल हो गया। अच्छा, वो ऐड अब आते कहाँ से, यानी अब आपके मतलब की बात है ना, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं, वो ऐड आते कहाँ से जो किसी वेबसाइट पे आप देख रहे होते हैं। इसके लिए ना ऐड एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड में जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो कैसी होती है, और फिर वो इंटरनेट पर वो कैसी होती है, दोनों आपको समझाता हूँ मैं। फिजिकल वर्ल्ड में जी छोटे छोटे ना ऑफिस इदारे बने हुए होते हैं, आपने अगर जितने भी इंग्लिश अखबार हैं सब में एक साथ ऐड देना है, ठीक है। अच्छा, सबके अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं कि जी वो आप इसमें अखबार में ये नहीं लिख सकते, तो उसमें वो कहता है कि जी ये पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए, वो एक कहता है जी फॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, एक कहता नहीं जी हमारे तो अखबार में अमेरिकन हम लिखते हैं हमेशा, हम वो ब्रिटिश वाला नहीं लिखते, हम अमेरिकन एक्सेंट में लिखते हैं। तो अब वो एजेंसी होती है, आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं जी सारे अखबार में ना ये बात चलानी है। अब वो थोड़ा थोड़ा टेलर करके ना सबके हिसाब से, और वो सबको भेज देता है, सबको पैसे भी दे देता है, आपको ये सब जगह दौड़ना नहीं पड़ता, आप एक जगह से आपका काम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका जो टीवी वाले हैं वो सारे, वो भी इसी तरह बैठे हैं कि जी आपने कोई ऐड चलाना है टीवी के ऊपर, तो वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले आप उनके पास जाते हैं, वो आपको ऐड बना भी देते हैं, शूट भी कर देते हैं और चलवा भी देते हैं, दोनों काम कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास पहले से बना हुआ ऐड है तो आप जस्ट दे दें, वो चला देंगे। अच्छा, वो क्या करते हैं, अपना कमीशन रखते हैं बीच में। भाई टीवी वाला मिसाल के तौर पे अगर पर सेकंड के वो 10,000 ले रहा है पर सेकंड के, तो ये आपसे ना 10,500 पे बात करेगा, यानी पर सेकंड जितने ऐड चलेगा वो ये भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मीडिया मॉनिटरिंग भी होती है उसकी, वो ऐड तो चल गया टीवी पे, लेकिन वो क्या सही टाइम पे चला, क्या वो 200 चैनल पे चलना था सब जगह चला और सही टाइम पे सही वक्त में चला, जब वो चला तो उसकी ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर थी या नहीं थी। इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग के सेल होते हैं, वो भी वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है। तो आप गए, आपने कहा जी ये रहा मेरा वीडियो ऐड, अब उस वीडियो ऐड को वो देखेगा कि भाई टीवी पे चलने के काबिल है भी या नहीं है, सेंसर बोर्ड इसको पास करेगा कि नहीं करेगा, वो सब
एजेंसी वाला करेगा, चलवाएगा, पैसे सबको पे करेगा। पैसे सबको पे करने के बाद इन्होंने एक कमरा बनाया हुआ होता है जिसमें वो टीवी लगे होते हैं बहुत सारे, और वो टीवी 24 घंटे चल रहे होते हैं, और उनकी कैमरा उसके ऊपर लगा हुआ होता है, स्क्रीन के ऊपर उसको वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसकी वीडियो को भी उसके ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा होता है वो, और तमाम चैनल को वो एक साथ रिकॉर्ड करता है, 24 घंटे वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। उस रिकॉर्डिंग में से वो आपका ऐड जिस वक्त पे चला है ना, वो आपको निकाल के दे देगा कि जी ये इस वक्त चला था, इसकी ऑडियो वीडियो आप देख लो, क्लियर थी बिल्कुल। तो वो काफ़ी काम आपका कर देता है। अच्छा, इसी तरीके से जो बिल बोर्ड वाले जो हैं लोग, बिल बोर्ड लगाने वाले, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था कुछ अर्से पहले, चार पाँच साल पहले, वो क्या करते हैं जी, आपका वो ऐड पैनाफ्लेक्स बना के ना, बड़े बड़े उनके फैक्ट्रीज उनके पास लगी हुई हैं पूरी, बड़े बड़े उनके पास मशीन है, पैनाफ्लेक्स प्रिंट करते हैं, वो प्रिंट करके उसको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे भेज के ट्रकों से, और वहाँ पे वो मोटरसाइकिल पे पहले ही वो कारीगर पहुँचा हुआ होता है वेल्डिंग वाला, वो ऊपर चढ़ के उसको लगा के ना, और वो रेडी करके देते हैं, और उसके वो पैसे चार्ज करते हैं, कमीशन लेते हैं अपना। जो 70,000 पर डे बिल बोर्ड का है वो अलग है, वो तो जो क्या कहते हैं, जिसका वो बिल बोर्ड है ना, बिल बोर्ड का ऑक्शन होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो, ये बिल बोर्ड ऑक्शन होता है इसका, जितने भी ये स्पॉट्स बने हुए हैं ये गवर्नमेंट इसको ऑक्शन पे डालती है। तो मिसाल के तौर पे वो उसकी बोली लगती है कि जी मैं 50,000 से शुरू हुई बोली, मैं 60,000, मैं 70,000, मैं 80,000, मैं 50,000। हाँ, वो बिल बोर्ड्स का होता है, लेकिन उसकी कहानी अभी आएगी बाद में। अब वो जो मिसाल के तौर पे एक हुआ, डन हुआ 90,000 पे, तो उस 90,000 में कुछ पैसा गवर्नमेंट को जाता है, एज अ टैक्स की मद में जाता है, डेली की, अब डेली की बात हो रही है, कुछ पैसा जो है वो जिस बिल्डिंग पे लगा हुआ है उसके पास आता है उसमें से, लेकिन बिल्डिंग के पास जो आता है वो बहुत कम आता है, 20% से भी कम आता है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। अच्छा, बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो जिसने ऑक्शन ख़रीदा है वो रखता है अपने पास, ऑक्शन जिसने विन किया ना वो रखता है, उसका कमीशन भी होता है इसमें। ये एक अलग चल रहा है मामला, जो एडवर्टाइजमेंट उस पर जाके चढ़ाएगा पैनाफ्लेक्स, वो अपने अलग पैसे लेगा, वो सर्विस के पैसे लेगा कि जी मैं प्रिंट करूँगा, अच्छी क्वालिटी में करूँगा, और वो मैंने फला, वो आता है वो कि फैक्ट्री में मेरे देखे मैंने फला मशीन लगाई हुई है और फला इंक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो ये अच्छे से प्रिंट करके लगा के उसके ऊपर ना, और उसकी भी मॉनिटरिंग होती है। फिर मिसाल के तौर पर सनस्लिक वालों ने नेशन वाइड पूरे मुल्क में, कराची से लेके खैबर तक, जितने भी बड़े बड़े जो शाराओं के बिल बोर्ड्स थे वो सारे बुक कर लिए, और उन्होंने कहा जी 15 जून को ना ये शुरू होगी हमारी कंपेन, और पूरे एक महीने चलेगी, 15 जून से लेके 15 जुलाई तक चलेगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लाख लाख रुपए एक बिल बोर्ड के, कराची से खैबर तक लाखों की तादाद में बिल बोर्ड होंगे, सब पे एक साथ लगता है वो, 15 जून को रात 12 बजे वो लग के रेडी होता है। तो ये वो एजेंसी वाले का काम होता है, वो मोटरसाइकिल पे सारा फौज तैयार होती है उनकी, वो एकदम निकलते हैं रात को 12 बजे, वो लगा के खड़ा करके सेट कर देते हैं, मगरिब से शुरू होते हैं, रात 12 बजे सेट हो जाता है वो लोग। अच्छा, फिर वो डेली बेसिस पे जब तक वो लगा रहेगा, ये एजेंसी वाले का बंदा जाएगा, अखबार ख़रीदेगा सुबह का, अखबार को ऐसे रखेगा और बिल बोर्ड पर रख के फ़ोटो क्लिक करेगा, वो आपको भेजेगा, यानी जब कंपेन ख़त्म होगी तो वो पूरे महीने की फ़ोटो, मिसाल के तौर पर 40,000 बिल बोर्ड पर आपकी लगी हुई थी वो एडवर्टाइजमेंट, तो 40,000 फ़ोटो डेली के हिसाब से आपको वो एक महीने के पूरे फ़ोटो भेज देगा, वो आपके पास ना पूरा 4-5-6 GB का वो पूरा इमेजेस आ जाएंगे, और उसको वो चेक कर लें आपके जी, वो कोई कभी फट जाता है, कभी वो गिर जाता है, कभी हवा चलती है, कभी कोई वो गवर्नमेंट आके गिरा देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसमें प्राइस में एडजस्टमेंट होती है, टीम बैठी हुई होती है जो उसको पूरे को मॉनिटर करती है कि हाँ जी वो डेली बेसिस पे वो मॉनिटरिंग होती है उसकी। तो ये एडवर्टाइजमेंट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको फिजिकल वर्ल्ड में समझाया कि जी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी किस तरह काम करती है, अब ये आ जाए वर्चुअल वर्ल्ड में कि एक वेबसाइट के ऊपर जो लगी हुई होती है ना एडवर्टाइजमेंट, वो एजेंसी किस तरह काम करती है। अच्छा, गूगल एडसेंस के नाम से एक कंपनी है जो गूगल ऑब्वियसली ओन करता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है। अच्छा, क्या होता है जी कि मैंने अगर ऐड चलाना है गूगल एडसेंस के पास, मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा जी ये मेरी करियाना स्टोर की दुकान है और मेरा आप ऐड चला दो और इतने रेडियस पे चलाओ, मेरी दुकान से 5 किलोमीटर के रेडियस पे चलाओ। अच्छा, और कहाँ कहाँ चला दो, वेबसाइटों पे चला दो, यूट्यूब पे चला दो, और आपका जो है वो गूगल सर्च पे चला दो, ये सारी उसके पास ये स्पॉट्स मौजूद हैं,
ठीक है। अच्छा, वेबसाइटों पे चलाने का मतलब है कि जितनी भी वेबसाइट है ना, जिन लोगों ने बोला हुआ है कि अच्छा जी गूगल आओ मेरी वेबसाइट पे इश्तिहार लगाओ, उन लोगों पे सब पे लग जाएगा वो। अच्छा, वेबसाइट पे लगाने का इश्तिहार जो होता है वो इमेज होती है, एक इमेज होती है वो, है ना, कि एक इमेज होगी वो साइड पे या नीचे दिख रही होगी, इधर दिख रही होगी। यूट्यूब पे लगाने वाला जो इश्तिहार है वो एक वीडियो की सूरत में होगा, उसमें भी चार पांच अलग अलग कैटेगरीज हैं उसकी, जैसे 5 सेकंड वाली वीडियो, 20 सेकंड वाली वीडियो, या पूरी फुल लेंथ वीडियो 15 मिनट 20 मिनट वाली, वो वीडियो की सूरत में होगा। और भी गूगल के पास बहुत सारे स्पॉट हैं। गूगल सर्च में जब आप करते हैं तो 3 ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है उसमें, बाकी उसके बाद नीचे जेनेरिक रिजल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्पॉट हैं गूगल के। अब जाहिर है मुझे तो, मैं करियाने वाला बंदा हूँ, मुझे थोड़ी पता है गूगल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्या क्या है। तो मैं एक पकड़ूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का बंदा, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है ना, वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में वो एजेंसी किस नाम से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से हो। अच्छा, पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक। और वो पीपीसी क्या है, वो एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी है, ठीक है। वैसे ये ओवरऑल सोशल मीडिया मार्केटिंग कह लें आप, या डिजिटल मार्केटिंग कह लें, अलग अलग छोटे छोटे इसको ने नाम रखे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे ख्याल है सबसे अप्रोप्रिएट और एक जनरल वर्ड है ओवरऑल सबके लिए। अच्छा, तो वो एक बंदा होता है, या वो एक एजेंसी होती है, या वो एक इदारा होता है जिसने इस चीज़ को एक्सपर्ट किया हुआ होता है कि जी ये जितनी भी ऑनलाइन स्पॉट्स हैं हमारे, ट्विटर से लेके, लिंक्डइन से लेके, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम पे ऐड कैसे चलता है और किस तरह के ऐड के लिए क्या अप्रोप्रिएट है, किसका बजट क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब उन्होंने रिसर्च करके पहले से सीख के रखा हुआ होता है। मैं करियाने के स्टोर पे गया, उन्होंने बोला जी आपका बजट तो बहुत ही कम होगा, आप यूट्यूब का ऐड अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पे पर क्लिक जो ऐड है ना, वो एक क्लिक पे $5-6 आपको चार्ज कर जाता है। तो आप, वो कहेगा कि यार उसके लिए तो $50,000-60,000 का बजट चाहिए होता है यूट्यूब पे, अगर आपने कंटिन्यूसली ऐड चलाना है, यानी क्योंकि करियाने स्टोर का ऐड तो कंटिन्यूस चलेगा, डेली चलेगा उसका, अनलिमिटेड है वो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि 1 महीने चल के बंद हो गया, वो तो डेली चलाना है आपने कि जी इस रेडियस में डेली दिखे उसको, जब भी खोले जब दिखे। तो वो तो, वो क्लिक वाले में तो बहुत महंगा है, वो कहेगा जी आप लगाओ वेबसाइटों पे, तो वो कहेगा हाँ जी लगाओ। वो क्या करेगा, अच्छा सा आपका बैनर बनाएगा, फ़ोटो वोटो लेगा आपकी, वो ऐड आपका तैयार करेगा, ऐड आपका तैयार करके उसके ऊपर वो गूगल एडसेंस वालों को ये ऐड बना के दे देगा कि जी आप ये ऐड दिखाओ, कहाँ दिखाओ, इस पॉइंट से लेके 5 किलोमीटर के रेडियस पे। अच्छा, उसमें फिर बहुत सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है कि जी किसको दिखाना है, जी जो आईफोन का यूज़र है, या जो एंड्रॉयड का यूज़र है, या जो मिडिल क्लास बंदा है, या जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है, या जिसकी आमदनी 50,000 से ज़्यादा है, या जो गाड़ी ओन करता है 4 व्हील, या जो मोटरसाइकिल पे घूमता है, समझ लो ये सारा डेटा है गूगल के पास, और फेसबुक के पास भी, और लिंक्डइन के पास भी, सबके पास है ये, ठीक है। वो क्या कहते हैं, सरकारी मुलाजिम है बंदा ये भी पता है उसको, ठीक है। अब कैसे पता है वो, किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, वो माइक नहीं खोलता, कुछ नहीं करता वो, ठीक है, लेकिन वैसे ही पता है उसको। तो इस तरह की बहुत सारी उसके पास जो है ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो वो कस्टमाइजेशन भी हम कर सकते हैं लगाते हुए। वो कौन करेगा, वही ऐड एजेंसी वाला बच्चा करेगा हमारा, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बंदा होगा हमारा, वो करेगा कि जी इस बंदे को ये ऐड दिखाना है, ठीक है ना, कि अप्रोप्रिएट ऑडियंस हो गया जी, अच्छा ये देखेगा तो ये आ जाएगा। मिसाल के तौर पर करियाना स्टोर अगर मौजूद है एक गली में, तो उस पर शायद अगर किसी बंदे की 2 लाख से ज़्यादा सैलरी है, शायद वो वहाँ आ जाए, शायद वो फिर मैटर हो जाएगा, वो बोलेगा यार साफ़ सफाई भी मुझे अच्छी चाहिए, फिर वो थोड़ा उसके नखरे होंगे थोड़े, ठीक है। कोई बंदा अगर वो मतलब 1 करोड़ की गाड़ी वाला बंदा है, तो शायद वो भी वहाँ पे ना रुके, वो भी शायद मेट्रो या उससे कोई बेहतर जगह पे जाएगा। अच्छा, फिर मेट्रो वाली की जो ऑडियंस है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार कम से कम 1 लाख सैलरी वाले के ऊपर जो है ना वो दिखाओ, गरीब लोगों को मेरा ऐड ना दिखाओ, क्योंकि उसको पता है गरीब लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हर चीज़ के रेट ज़्यादा होते हैं भाई। चिकन यहाँ पे 600 मिल रहा है, वहाँ पे वो 900 रुपये बेच रहे हैं है तो साफ़ सफाई सब कुछ ठीक है, लेकिन गरीब आदमी कहेगा कि यार महंगा खा के भी मरना है, सस्ता खा के मरूंगा। तो हर किसी की ऑडियंस, तो वो ऑडियंस की जो फाइन ट्यूनिंग है वो कौन कर रहा है यहाँ पे, वो डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग वाले ने एडसेंस को ऐड दे दिया, अब वो एडसेंस वाला जो ऐड है ना वो देगा अवेलेबल वेबसाइट जो भी है ना सबको बांट देगा। अब उनका एक पूरा अंदर कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है, वो कैसे किस ऐड को किधर डिस्प्ले करता है वो उनका मसला है। एज अ डेवलपर अब मैंने क्या करना है, मैं जाऊँगा गूगल एडसेंस पे एक अकाउंट बनाऊंगा, मैं कहूंगा जी मेरी वेबसाइट है, आप मुझे ऐड दो, और वो मुझे देगा एक ऐसा एम्बेडेड कोड, इससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है वो, जो ये वाला जो कोड है ना ऐसा मुझे वो एक कोड देगा वो, जो इससे मुख्तलिफ होगा थोड़ा,
अच्छा, फिर उसमें थोड़ी कस्टमाइजेशन और भी होती है कि जी वो खड़ा बैनर हो या लेटा हुआ बैनर हो ऐसे, या पूरी स्क्रीन वाला बैनर हो, कौन सा बैनर हो, तो वो सब कुछ बता के सब कुछ करके मैं ये कोड अपनी वेबसाइट पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, फिर गूगल वाले क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं एनालिटिक्स भी लगाओ अपनी वेबसाइट पर, क्यों कि अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा यूज़र नहीं आता ना, वो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं यार आपकी वेबसाइट पर आ ही रहा दिन में 10 यूज़र है, मैं आपको ऐड नहीं दूंगा। जी सर, क्या गूगल ऐसी वेबसाइट देखता है जिसका DAPHO? यार मुझे एग्जैक्टली ये टर्म्स नहीं पता, लेकिन ये कि वो एक तो ये देखता है कि वेबसाइट जेन्युइनली कुछ कर रही है और ट्रैफिक भी ऑब्वियसली वो देखता है। इसमें सर ये कि क्या जैसे अभी लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक बहुत अच्छी है, हाँ, गूगल को टास्क मिला कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर आप एक एड्स है, तो क्या गूगल डायरेक्ट खुद ही लगा देगा या पहले वो मुझसे परमिशन ले रहा है, मुझे ईमेल करेगा कि भाई मैं आपकी वेबसाइट में ऐड रखने वाला हूं, नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। असल में आपका वाला जो वर्जन है ना वो पहले होगा सारा, एज अ डेवलपर आपसे परमिशन तो वो लेगा, लेकिन वो एक ही दफ़ा ले लेगा सारी परमिशन, दोबारा नहीं पूछेगा आपसे। आप गए गूगल एडसेंस पे आपने साइन अप किया, अभी मैं करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन मे बी मैं आपको जो है ना वो एडसेंस ज़रा चलते हैं ना, कुछ तो दिखे सामने मुझे, मैं वो चलती हुई वेबसाइट ना आपको मैं दिखा देता हूँ, वो air.sysborg है ना हमारी वाली, उस पर भी वो एड मैंने लगाए हुए थे। वेल अभी तो वो डोमेन एक्सपायर हो गया, वो कुछ इस तरह का दिखता है ना। साइट्स पे मैं गया, देख रहे हैं आप साइट, अब ये मेरे पास ना एक साइट मौजूद है sysborg.com, राइट, अच्छा है, रेडी है, लेकिन वो नॉट फाउंड हो गया है क्योंकि वो उसका जो डोमेन है ना वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। अब ये यहाँ पे एक नई साइट मैंने ऐड करनी है ना, मैंने कहा जी www.abc और कुछ इसमें आगे लिखा मैंने और .com कर दिया आगे। अब ये मुझे एक एम्बेडेड कोड देगा, अच्छा वो https नहीं लगाया मैंने इसमें, ये कह रहा ऑलरेडी ऐड है, क्या लगा दें इस पर, कोई ऐसा नाम बताओ जो, हाँ बताएं, बाबा किफ़ायत .com, URL must be a valid top level domain but didn't mean to enter this, अच्छा ये कह रहा है https नहीं लगाओ इसमें, http लगा दो बस, अच्छा www नहीं लगेगा, टॉप लेवल डोमेन चाहिए इसको। अब ये मुझे कोड दे देगा, कहेगा जी ये कोड आपने जब पेस्ट कर दिया ना अपनी वेबसाइट में, तो दैट्स इट, ये देखें ये मुझे कोड दे दिया इसने, इसने कहा बच्चा ये कोड आप पकड़ो और इसको जाके अपनी वेबसाइट पे आप कर दो पेस्ट, सही है। आई हैव प्लेस्ड जब मैं कर दूंगा ना, आई हैव प्लेस्ड जब मैं कर दूंगा कि मैंने कोड प्लेस कर दिया और नेक्स्ट करूंगा मैं, तो फिर ये कुछ टाइम लेता है और उसको क्रॉस चेक करता है, वेरीफाई करता है, क्योंकि ये आपकी वेबसाइट पे एक एनालिटिक्स लगा देता है, उस एनालिटिक्स के ज़रिए उसको सब पता चलता है कि आपकी वेबसाइट पे जो यूज़र आ रहा है वो कौन से ब्राउज़र से है, वो कहाँ से लोकेशन है, वो क्या है, वो सब पता चल रहा होता है उसको। और फिर उसके बाद अभी तो पहला स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप पे ना वो बोलता है कि ऐड कैसे लगाना है, किधर लगाना है, वो उसके पूरी इंस्ट्रक्शन होती है, वो लंबा सेटअप है, यानी कम से कम मतलब पूरा दिन लग जाता है उसको पूरे को सेट करने में कि ऐड किधर से और कैसे और क्या करके दिखाना है। तो वो वंस वो सारा कुछ जब सेट हो जाता है तो फिर जो है ना आपके पास वो एड्स उस जगह पे ऐड दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस ऐड पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो ऐड ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे एक ब्रांड सेफ्टी के अंदर ना, ये ब्रांड सेफ्टी आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक मौजूद होता है कि जी कुछ ऑप्शंस होते हैं इसमें ना, कि ऐड रिव्यू सेंटर होता है एक, तो कि जी ये ऐड हम दिखाने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, तो आप कुछ कर सकते हो तो कर लो इधर आगे। अच्छा ये मुझे कह रहा है कि जी आपका ना वो कोई गड़बड़ हो गई है आपकी, तो इसलिए ना ये आपको नहीं दिखाएगा। वेल मैं नहीं, वापस मैं साइट्स पे जाके उसको मैं उड़ा देता हूँ ना, जो अभी ये हुआ है, ये मैंने इसको उड़ा दिया। अच्छा मुझे ये फ़िलहाल नहीं दिखा रहा क्योंकि वो जो एक्चुअल मेरा डोमेन था ना वो एक्सपायर हो गया और वो किसी ने ख़रीद लिया है मज़े की बात, और उसने $100 का लिस्ट कर दिया air.sysborg वाला जो डोमेन था। मैंने कहा चलो खैर हो गई यार, कोई नहीं, कोई इतना अर्जेंट भी नहीं था वो, तो मैंने उसको भी फ़िलहाल छोड़ा हुआ है।
थोड़े दिन में उसने खुद ही जो है ना वो 15-20 पे आना है तो फिर मैं दोबारा बाय कर लूँगा, नहीं आया तो खैर हो गई, कोई दूसरा खरीदेंगे फिर अच्छा सा, तो ये चक्कर है। तो यहाँ पे ना वो एड रिव्यू सेंटर पे वो एड्स दिखा रहा होता है 15-20 कि जी ये आने वाले हैं अगले कुछ घंटे में आपकी वेबसाइट पर, तो कर सकते हो तो कुछ कर लो। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि जी आप बता देते हो भाई स्किन ओपन हो वो ना दिखाओ आप, ठीक है, या आप जो है ना ब्यूटी प्रोडक्ट का ही दिखाओ सिर्फ, कोई और ना दिखाओ। अब मिसाल के तौर पर आप बेचते हैं कपड़े, कपड़े की दुकान है आपकी, तो आप ये चाहेंगे कि कपड़े का ऐड मेरी दुकान मेरी वेबसाइट पे ना आए, है ना, कपड़े की वेबसाइट है आपकी तो उसकी अच्छा। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं कपड़े के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं तो आप ये चाहेंगे कि कपड़ों का ऐड आपके ऊपर आए, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन के वो तो यहाँ पे सारी सेटिंग होती है कि जी ये दिखा दो ये नहीं दिखा दो और इस तरह से कर दो ये कर दो, वो सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो वंस वो सारे ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिए तो आपकी वेबसाइट के उस पोर्शन में ऑटोमेटिकली वो ऐड दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, फिर वो ऐड जो दिखाता है डिपेंडिंग ऑन के आपके पास कितने कस्टमर आते हैं डेली के और वो किस ग्रेड के कस्टमर आते हैं, अब वो इतनी डिटेल अभी उसमें भी नहीं जाऊँगा, लेकिन वो कुछ क्लासीफाई करता है कि जी ये थोड़ा मोटा कस्टमर आ रहा है, ये थोड़ा मतलब हल्का कस्टमर है, ये थोड़ा भारी कस्टमर है, जिसकी जेब मोटी होती है ना, थोड़ी मोटी जेब वाला कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो वो फिर आपको उसी हिसाब से RPM असाइन करता है। RPM क्या होता है कि पर 1000 व्यू में ना आपको क्या पैसे दे रहा है, तो वो $1-2 से शुरू होता है और वो $15-20 तक भी जाता है। RPM होता है, RPM के हिसाब से होता है, तो वो हर वेबसाइट को अलग RPM देता है। मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट पे अगर बंदा आ रहा है सिर्फ शारा फैसल की है, कच्ची आबादी का एक बंदा आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट का RPM लो होगा, और अगर मेरी ही वेबसाइट में डिफेंस का अगर कोई बंदा आ रहा है जिसकी जेब मोटी है तो मेरा RPM ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, अगर अमेरिका में भी अगर किसी कच्ची आबादी से आ रहा है तो RPM लो ही होगा। अमेरिका में अगर न्यूयॉर्क का बंदा है या LA का बंदा है, मेन सिटीज़ का बंदा है, कोई वाशिंगटन वगैरह का बंदा आ रहा है, तो वो आमतौर पे मोटा बंदा होता है, तो वो फिर RPM उससे अच्छा मिलता है आपको। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो ऐड कौन देख रहा है, भाई आप देखें ना जब एयरपोर्ट से निकलते ही जो ऐड दिख रहा है वो महंगा क्यों है, वहाँ पे वो ट्रैवलर आ रहा है, वो हो सकता है कनाडा से आ रहा हो सकता है अमेरिका से आ रहा हो सकता है वो हज करके आ रहा हो, अभी पैसे वाला बंदा है वो, क्योंकि जहाज़ पर ट्रैवल तो वही करेगा जिसकी जेब में पैसा होगा। तो एयरपोर्ट से निकलते ही जो सामने दिख रहा है वो इसलिए महंगा है, जब गेट पे जाते हुए जो साइडों में दोनों तरफ ऐड होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वो देख रहा कौन है, वो ट्रैवलर देख रहा है उसको। ऑन अदर एंड आप ट्रेन के स्टेशन पे जाएं, वहाँ पे कोई वैसे ही पोस्टर चिपका के चले जाता है, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन पे जो बंदा सफ़र कर रहा है वो शायद इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा इन जनरल। वैसे तो ज़ाहिर है पैसे वाले भी ट्रेन पे करते हैं सफ़र, हाँ ना, ट्रेन पे आप देखें ट्रेन स्टेशन पे वैसे ही कोई चिपका जाता है पोस्टर, और वो भी उसमें वो यानी महफिल मिलाद और वो फलां जलसा हो रहा है और फलां, वो सबके उधर पोस्टर चपके होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब कोई बाबा बंगाली के चौकिंग भी वही होती है। अब आप देखें वो रोडों के साइड पे ये जो दवा खाने की चौकिंग हुई भी होती है, वो असल में उसको कोई देख नहीं रहा, उसको कोई भी नहीं देख रहा उसको ना, तो बस वो इसकी वजह से उसके वो पैसे भी कोई नहीं है। तो वेल उसकी जो टारगेट ऑडियंस है बहरहाल वो होती होगी वहाँ पे जब भी वो वहाँ लगाते हैं। नहीं भाई, मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूँगा, जो रास्ते में लिखा हुआ है ना उसको तो कभी भी नहीं। वेल अच्छा, तो ये आपको मैंने समझा दिया कि जो ऑनलाइन जो एड एजेंसी होती है जो एड आपकी लगवाती भी है और आपके एड लगाती भी है, जाहिर है एक से एड लेती है दूसरे को लगवा देती है, यही कर रही होती है वो। अच्छा, गूगल एडसेंस वन ऑफ दोज कंपनीज, गूगल एडसेंस वाहिद कंपनी नहीं है जो एड एजेंसी है, गूगल एडसेंस के अलावा और भी हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनीज़ मौजूद हैं जो एड लगाने और लगवाने का काम करती है। जैसा कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं, तो फेसबुक इट्सेल्फ एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी है। अच्छा, फेसबुक के अम्ब्रेला में कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, फेसबुक इट्सेल्फ, facebook.com, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी एक दो उन्होंने ख़रीदे हैं जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो जी वो मेटा जो अभी नाम उन्होंने मेटा कर लिया अपना, ठीक है, जो फेसबुक इज़ अ प्रोडक्ट, मेटा इज़ अ कंपनी, फेसबुक उसका प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अब वो क्या करता है जी कि वो बोलता है आप ऐड लगाओ, मेटा ऐड सेंटर उसका है वो, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे जाके आपने ऐड लगाना है, आप ऐड लगा दो और पैसे दे दो कि जी
10,000 लगा दिए मैंने इस पर, अब वो 10,000 के हिसाब से ना जितने व्यूज़ बनते हैं वो आपको दे देगा। उसमें भी जाहिर है वो सारे ऑप्शंस हैं जो गूगल एडसेंस में होते हैं कि जी किधर दिखाना है, किस कितने किलोमीटर के रेडियस में दिखाना है, जी कराची में, इस्लामाबाद में, कहाँ दिखाना है, सही है, कौन से बंदे को दिखाना है, जो बाइक वाला बंदा है, जो गाड़ी वाला बंदा है, जो जिसकी सैलरी 1,00,000 से ज़्यादा है उसको दिखाना है, ये सारे ऑप्शन, बल्कि फेसबुक में कहीं ज़्यादा ऑप्शन है, गूगल से भी ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो इवन फेसबुक पे तो ये है कि भाई बंदा मतलब उसका रिलेशनशिप क्या है, वो डाइवोर्स्ड है, मैरिड है, 2 बच्चे हैं उसके, 1 बच्चे हैं या अभी तक बच्चे नहीं हैं कोई, हाँ नहीं, बहरहाल वो तो उसको भाई काफ़ी कुछ पता होता है, क्योंकि फेसबुक को ये पता है आपका उठना बैठना किन लोगों में, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सारे, तो वो उनको देख के आपका भी एवरेज निकाल लेता है कि ये कितने पानी में होगा। तो वो फेसबुक में कहीं ज़्यादा ऑप्शन है गूगल के नस्बत, तो और गूगल थोड़ा जेनरस भी रहता है इस मामले में, फेसबुक ने कोई जेनरॉसिटी नहीं है उसमें, वो बोलता है जो है वो है भाई, सब है, डेटा बेचा तो उन्होंने वो भी इकरार कर लिया कि हाँ भाई हमने रेंट किया था डेटा, सही है, बेचा नहीं था हमने, रेंट किया था, कहता है यार लॉ में तो लिखा हुआ बेचना मना है, हमने तो रेंट किया था, दे के वापस ले लिया था हमने, और एनोनिमस डेटा वो जो है ना उन्होंने बोला कि हमने रेंट किया था, वही ट्रंप वाले केस में ही उन्होंने बोला, क्योंकि ट्रंप के केस में पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के लिए डेटा चाहिए था ना कि कौन लोग हैं और क्या करते हैं और इनका ईमेल एड्रेस वगैरह, तो उनको वो ऐड दिखाया फिर बाद में उन्होंने, तो वो उन्होंने कहा कि ये फेसबुक से उन्होंने ये ख़रीदा था डेटा, उस जर्मन कंपनी ने फेसबुक से डेटा लिया था और उस डेटा पर वो एडवर्टाइजमेंट चलाई थी और वो पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया था, तो इन्होंने कहा जी हमने तो उसको रेंट पर दिया था डेटा, तो वो फिर बहरहाल उस पर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त के लॉ में ये लिखा हुआ ही नहीं था कि रेंट पे डेटा देना मना है, तो बाद में उन्होंने फिर वो सारे स्टेट वालों ने उसको बुला के बिठा लिया, फिर उसने जो जो बात की ना सारा फिर लॉ के अंदर ऐड किया, तो अब थोड़ा कड़क चला रहे हैं उनको, हाँ बस ये तो भाई आप देखें ना, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो है ही ना, प्रोपेगेंडा वार है, और ये टेक्नोलॉजी से अब तो प्रोपेगेंडा होता है, तो आप देखें इसका क्या लेवल है। मैंने जैसा कि जब यहाँ पे आपका पहले दिन मेरा लेक्चर हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि जी अगर नेक्स्ट सुपर पावर अगर चाइना बना ना, तो टिकटॉक इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो उसको सुपर पावर बनाएंगी, ठीक है। टिकटॉक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का वॉर मशीन है, हमें मतलब लगता है कि जस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं उसको जिस नज़र से देखता हूँ, और आप भी थोड़ी सी आप गूगलिंग करेंगे ना तो आपको ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि टिकटॉक इज़ अ वॉर मशीन, वो प्रोपेगेंडा मशीन है चाइना की, और अमेरिका के पास भी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये अमेरिका के पास सालों से है, लेकिन वो क्योंकि अमेरिका थोड़ा जेनरसली चलता है ताकि लोगों को शक ना हो जाए तो लेकिन जब उसने देखा ना यार हमारे ओपोनेंट के पास भी सेम चीज़ आ गई, अब वो शोर करता है, अब उस पर सहाफ़ी सारे बात भी कर रहे हैं उनके, वो पार्लियामेंट में भी मसला उठ रहा है कि जी वो तो ये प्रोपेगेंडा मशीन है, ये तो इसका कुछ करो, तो जी आपके पास भी तो था इतने सालों से, तो वो बताते नहीं थे, चुप रहते थे। चाइना ने आप देखें फेसबुक को और ये गूगल को, और आज से 12-15 साल पहले उन्होंने बैन कर दिया था, हम उस वक्त ये सोचते थे यार ये बेचारे कंजर्वेटिव हैं, ये इनको पता नहीं है, ये तो फेसबुक बैन कर देते हैं। आज उन्होंने जब टिकटॉक निकाला तो जो सेम बात जो उस वक्त चाइना करता था ना आज से 15 साल पहले, आज सेम बात वही अमेरिका कर रहा है कि जी टिकटॉक को बैन करो हमारे मुल्क में हम समझते थे यार चाइना कंजर्वेटिव है, नहीं वो उनको असल बात पता थी, वो तो ज़ाहिर है एजेंसीज़ को तो पता होती हैं मुल्क की जो 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 क्या कहते हैं लॉ इन्फोर्समेंट जो कर रही होती हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी को जो देख रही होती है, उनको तो पता होता है ये अंदर क्या गेम चल रहा है, सारे सबने डिप्लॉय किए होते हैं अपने अपने एजेंट्स, तो वो बताते हैं कि जी यहाँ तो अंदर ये प्लानिंग हो रही है, ये करेंगे इससे, ये तो वो उनको पता था चाइना वालों को कि ये फेसबुक और गूगल से ये क्या करने वाले हैं, उन्होंने बैन कर दिया हाथ के हाथ, उन्होंने अपना बना दिया वो वी चैट के नाम से, और गूगल सर्च के भी रिप्लेसमेंट में उन्होंने अपना एक चीज़ बनाई है, यानी इवन दो कि आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन लेकर जाए ना चाइना में तो आपको लगेगा मेरा फ़ोन पत्थर है कुछ कर ही नहीं रहा, गूगल बंद हो जाएगा सारा चाइना का, ये तो जो गूगल का जो फ़ोन है एंड्रॉयड वो चलता ही सारा गूगल से, गूगल की सर्विसेज से चलता है, वेदर नहीं आ रही होगी उसमें, SMS की ऐप चलना बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा उसके अंदर, तो वो सब की उन्होंने रिप्लेसमेंट बनाई हुई अपनी अपनी, तो वो चल रहा होता है। तो जी ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ही प्रोपेगेंडा की वॉर, ये प्रोपेगेशन की है, एक दिन सुबह अचानक उठेंगे आप टिकटॉक पे आपको एक ऐसी न्यूज़ दिखेगी कि बस गेम उतर जाएगा फिर पूरा। तो वेल तो हमने ये देखा जी कि हमारे पास जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज होती हैं वो एक नहीं है, वो बहुत सारी है। फेसबुक अपना ऐड खुद रन करता है, फेसबुक के ऊपर जो दिखने वाला ऐड है वो कहीं और से नहीं आता, वो फेसबुक पे जाके आपने वो बताना होता है, यानी फेसबुक भी एक वेबसाइट है ना। हो ऐसा हो सकता था कि फेसबुक की वेबसाइट थी, फेसबुक बोलता है जी गूगल आप हमें ऐड दो हम दिखाएंगे आप हमें पैसे देना, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्होंने खुद का अपना पूरा सेटअप बनाया, जो कि रिलेटिवली एक बहुत मुश्किल काम है,
बड़ी कंपनी है कर सकती है वो, छोटी कंपनीज के लिए आमतौर पर ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने खुद की एड फिर उसकी बनाए, वो पूरे सारे सिक्योरिटी के मसले भी देखें, नहीं पता चले आपकी वेबसाइट कोई आके ना ऑटो रिफ्रेश लगा दे उस पर और वो एड में व्यूज़ बढ़ते रहें, उसके बाद बेचारे पर ट्रैफिक ही ना आए जो करियाने स्टोर वाला था, फिर वो बोलेगा कि यार आपको ऐड लगाता हूँ, आपके ऐड पे ना कोई असर नहीं है, कहेगा मैं आपके पास नहीं लगाऊंगा, अब मैं फेसबुक पे लगाऊंगा, तो ये मसला है, ठीक है। तो ये बड़ी कंपनीज ही सिर्फ कर सकती हैं, ये खुद ही एजेंसी बन जाए, ऐड एजेंसी, लिंक्डइन अपना ऐड एजेंसी है, ट्विटर अपना ऐड एजेंसी है, इन सब की अपनी अपनी है जो बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे अभी तक फेसबुक ने ऐड नहीं चलाया, लेकिन बहुत जल्दी ये चलाएगा उस पे भी ऐड, व्हाट्सएप पे अभी कोई ऐड नहीं आता। व्हाट्सएप अभी इनसे यही पूछा था अमेरिका के सेनेट में उन्होंने कि भाई ये व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल क्या है, ये अल्लाह वास्ते चल रहा है क्या, इसके सर्वर का एक्सपेंस कैसे पूरा होता है, तो उन्होंने कहा जी अभी हम इसको वो कर रहे हैं, इनक्यूबेट कर रहे हैं, अभी इस अंडे को सेक रहे हैं, इससे अभी हम बाद में कमाएंगे, तो उन्होंने ये बोला था। अच्छा, बाकी जो जैसे YouTube है, YouTube भी फ्री प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट करता है, आपको ऐड दिखाता है, ऐड दिखा के पैसे कमाता है। YouTube भी इटसेल्फ ऐड किसी और से नहीं लेता, Google की अपनी ऐड एजेंसी एडसेंस, वही ऐड Google पे चलता है, सही है। तो इन सब ने अपनी अपनी ऐड एजेंसी बनाई हुई और अपना अपना चला रहे हैं। तो नस्बतन जो आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आप गूगल से लेके जब ऐड चलाते हैं ना, तो वो कोई अच्छा रेवेन्यू मॉडल नहीं है, वो कोई अच्छा रेवेन्यू मॉडल नहीं है। गूगल क्योंकि ऐड एजेंसी है ना, सारा कट वो खुद रखता है, आपको देता है इतू सा। अच्छा, फेसबुक का क्योंकि खुद का है तो उनको मसला नहीं है, वो समझ लें सब्सक्रिप्शन बेस ही चल रहा है, जो फेसबुक वाला है ना वो सब्सक्रिप्शन बेस है समझ लें। वो मिसाल के तौर पर मैंने कोई पोस्ट अपनी बूस्ट करनी है, बूस्ट का बटन आ रहा होता है पेज पे, अगर आप ना फेसबुक के पेज पे अगर आपने पोस्ट किया तो बूस्ट का बटन आपको दिखता है, बूस्ट दबाएं, ₹1,000 बूस्ट ख़त्म, ऑटो बूस्ट, वो खुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि किसके लिए ये पोस्ट सही है किसके लिए नहीं है, खुद ही बूस्ट करेगा उसको। तो अच्छा, OLX को आप देखें, OLX भी फ्री प्लेटफॉर्म है लेकिन ऐड भी दिखाता है और सब्सक्रिप्शन बेस भी है, किसी ने अपनी पोस्ट को ऊपर करना है तो बूस्ट करते हैं आप उसको, और अच्छे खासे पैसे लेता है भाई, अगर मतलब जिस कैटेगरी में मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं तो 1500, 2000, 5000 में कहानी होती है, लेकिन आपने कोई प्लॉट लगाया हुआ है तो वो 40,000 का एक ऐड है, यानी 7 दिन के लिए ऊपर करना है 40,000। मैंने कहा भाई क्या हो गया 40,000, हाँ एक ऐड फ्री होता है वो भी 90 दिन के बाद वो करते हैं, पर तो बस वो फ्री वाले ऐड ही लगाए हैं मैंने तो आज तक। वो कहता है यार एक प्लॉट लगाया आपने अगर तो वो 40,000 मांग रहा है यार, उसको 7 दिन टॉप पर दिखाना है। मैंने कहा ये क्या बकवास है। तो रिलेटिवली क्या होता है कि जी आप अगर खुद अपना ऐड पकड़े ना, OLX अपना ऐड खुद पकड़ता है किसी और से नहीं लेता, OLX पे ही जाके आप ऐड लगा रहे होते हैं अगर आपने लगाना है तो। जब आप किसी और से ऐड पकड़ के अपनी वेबसाइट पे चिपकाते हैं तो वो रिलेटिवली एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल नहीं है। अच्छा, अब लोग अभी बात निकल आई है तो बात बता रहा हूँ, जो वेब थ्री की जो बात कर रहे हैं लोग सारे, वो मसला असल में ये मसला है वेब टू का। जो अब तो एक तो वेब वन का मसला था ना कि उसमें इनपुट नहीं होता था, कोई अपना इनपुट नहीं आप दे पाते थे, अब वेब टू के ये मसले अभी आपने देखे, ये वाले वेब टू में ये मसला है कि अपना ऐड आपको खुद पकड़ना होता है, अदरवाइज़ किसी और से पकड़ के आपने ऐड लगाया तो आपको पैसे नहीं बचते, ठीक है। अपना ऐड खुद पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है जो कि एक छोटी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, तो अल्टीमेटली होता क्या है, जो क्रिएटर है जो, उसको पैसे नहीं मिलते। भाई आपने कोई बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, कोई बहुत अच्छा आर्टिकल आपने लिखा, लोग आए उसको पढ़ा भी लोगों ने, लेकिन लोगों ने ऐड देखा गूगल का, तो जो आर्टिकल का राइटर जो था, जो वेबसाइट का जो मालिक था जिसने वो वेबसाइट पे वो आर्टिकल लगाया, उसको पैसे मिले ही नहीं। इंटेलेक्चुअल तो सारा इसका था ना भाई, जिसने वो आर्टिकल लिखा इतना दिमाग लगा के, जो बहुत अच्छी वीडियो आपने बनाई यूट्यूब पर डाला, यूट्यूब पर डाल के लोग आए उस वीडियो को लोगों ने देखा और जो है ना आपको रेवेन्यू मिला बदले में, लेकिन वो उस रेवेन्यू का 80% गूगल ने रखा, 20% आपको दिया, जो उस ऐड से जो रेवेन्यू जो भी बना आपको 20% मिला, वही जो हमारे बिलबोर्ड जिसके छत पे लगा हुआ उसके साथ जो हो रहा है, वही यूट्यूबर के साथ हो रहा है, वही ब्लॉग राइटर के साथ हो रहा है। तो क्रिएटर जो है ना, एक्चुअल जो क्रिएटर है उसको पैसे नहीं मिलते, अभी वेब टू के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो ये कह रहे हैं कि जी वेब थ्री में ना हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वेब थ्री कोई चीज़ नहीं है अभी फ़िलहाल, वेब थ्री तो जब वो कोई एक सर्टेन पॉइंट पे बोलेंगे जी अच्छा अब जो वेब है वो वेब थ्री है और ये फीचर इसको मिला के वेब थ्री बनती है। तो वो कह रहे हैं कि जी इसमें ना कोई हम करेंगे ब्लॉकचेन वाला हिसाब किताब, कि जी वो कोई ब्लॉकचेन से ऐसी सेटिंग करेंगे कि जी जो क्रिएटर है ना उसको पूरे पैसे मिले। फिर वो सिक्योरिटी विक्योरिटी के मसले हैं, तो वो
कह रहे हैं कि जी आपका जो वेब थ्री में ना जो इनका विजन है, अभी तो हुआ कुछ नहीं है ये इसमें से, वो कह रहे हैं कि जी विजन ये है इनका कि यूट्यूब पे जाके ना जो वीडियो देखने वाला है उसको भी पैसे मिलेंगे और जो बनाने वाला है उसको भी पैसे मिलेंगे, और ये एड वेड जो है ना ये इसका कुछ सिस्टम ऐसा होगा कि वो डायरेक्ट हो जाएगा, जो क्रिएटर है ना उससे डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट होगा। अब ये होगा कैसे ये अल्लाह ही जानता है भाई, जो विजन तो इनका यही है कि सर सबको पैसे मिलने चाहिए, जो कंज्यूमर को भी पैसे मिलेंगे कंज्यूम करने के, हाँ सबको जो है ना वो बटेगा इक्वल। अभी क्या होता है एक सारा पैसा ले जाता है इस पूरे इकोसिस्टम में भाई, यूट्यूब के अगर इकोसिस्टम में देखें एक क्रिएटर है, एक व्यूअर है और एक कंपनी खुद है जिसने वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ये तीन लोग हैं। कंपनी सारा पैसा ले जाती है, ना व्यूअर को कुछ मिलता है ना क्रिएटर को कुछ मिलता है, सारा पैसा वो ले जाती है। ठीक है, तो ये एक मसला है, ये एक इनइक्वालिटी का एक माहौल बना हुआ है पूरे इंटरनेट पे बना हुआ है, क्योंकि 80% वेबसाइट 80% ऑफ द इंटरनेट जो है उसका रेवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजमेंट है, बाकी 20% सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन पे चलता है, तो वो 80% के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है इस वक्त राइट नाउ। तो इसको हल करेंगे ये, तो कहते हैं कि जी अभी इसको जो हल करेंगे ना ये वेब थ्री के अंदर करेंगे हम, अभी तो वेब टू तो हो गया यहाँ तक, अब जो आगे काम होगा वेब थ्री होगा उसमें ये मसले हल करेंगे हम। वेल तो जी हमारे पास टाइम हमारा ओवर होता जा रहा है, मेरी कोशिश थी कि आज हम इसको पूरा कर लेते, नहीं हमारा लास्ट का मेरे ख्याल है एक ही रह गया, एक ही टॉपिक रह गया, तो हम 15 मिनट ऊपर लगा के ना ये टॉपिक ज़रा हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जी, मेटा के जो टैग्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट टैग है भाई, किसी भी वेबसाइट में मेटा के टैग की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेटा का टैग क्या होता है जी, आप अगर हम अपनी वेबसाइट में आ जाएं, आप देखें जब हम बॉयलर प्लेट लिखते हैं ना खुद से, यानी VS कोड में जो हम एक्सक्लेमिनेशन मार्क लगा के जो बॉयलर प्लेट लिखते हैं, ये हर क्लास में हमने ये किया है, उसमें आप देखें मेटा के कुछ टैग लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये मेटा के टैग्स का क्या मतलब होता है और ये क्यों लगाए जाते हैं, ये सिमेंटिक टैग्स हैं और ये मेटा के टैग जो है ना इनमें वो बात लिखी हुई होती है, जैसे हम कहते हैं ना मेटा डेटा, कोई बता सकता है कि मेटा डेटा का क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन बाई मेटा डेटा, अंग्रेजी में मेटा डेटा किस चीज़ को कहते हैं? हाँ नहीं, मेटा डेटा हम कहते हैं किसी डेटा के बारे में डेटा, मिसाल के तौर पे आपने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, उस एक्सेल शीट के अंदर आपने एक साइड में एक अलग से छोटा सा एक नोट लिखा हुआ है कि जी अच्छा इसमें जो रेड हुआ हुआ है ना उसका मतलब है ये एब्सेंट था बंदा इस दिन, इसमें जो येलो हुआ हुआ है इसका मतलब है ये लेट था, इसमें जो वाइट है इसका मतलब है ये टाइम पे आया था, इसमें जो ग्रीन है इसका मतलब वक्त से पहले आया था, डेटा के बारे में डेटा है, कलर कोडिंग कर किया अपने साइड पर, आपने लिखना है वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो डेटा के बारे में डेटा, जैसे कोई फ़ोटो है, उस फोटो में भाई एक बंदा खड़ा हुआ है बुक हाथ में लेके खड़ा हुआ है, फोटो है ये फोटो, ये एक्चुअल डेटा है, फोटो इज़ एन एक्चुअल डेटा। उस डेटा के बारे में जो डेटा होता है ना कि जी अच्छा जी इस फोटो का KB में साइज़ कितना है, कितने KB की है, इसके डायमेंशंस क्या है, कितने भाई कितने पिक्सल की है, इसमें कलर कौन से इस्तेमाल हुए हैं, RGB कलर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, ये तो ये PNG इमेज है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये मेटा डेटा है, यानी एक्चुअल इमेज के बारे में डेटा है, डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको मेटा डेटा कहते हैं। तो ये मेटा के जो टैग्स हैं ना ये आपकी वेबसाइट के बारे में है। अच्छा, हम ये बात जानते हैं कि जो ये सिमेंटिक टैग होते हैं आमतौर पर वो वेबसाइट के बारे में ही होते हैं, सिमेंटिक टैग जो है वेबसाइट के बारे में ही होता है, लेकिन सिमेंटिक टैग में और मेटा में देखें डिफरेंस है। सिमेंटिक टैग क्या होता है कि जी आपके पास एक स्क्रीन पर चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन मेटा डेटा जो है ना वो स्क्रीन पर नज़र कभी भी नहीं आता, वो हमेशा ये प्योरली वेबसाइट के बारे में डेटा होता है कि जी इस वेबसाइट पे इस्तेमाल लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर कैरेक्टर सेट कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अब ज़रा हम देखते हैं कि जी ये क्या कौन कौन से मेटा के टैग्स हमसे यहाँ पे ये बता रहा है। एक डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग हो सकता है, दिस कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज, हर पेज का डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिखा हुआ होगा। कीवर्ड्स, दिस कंटेन द लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स अ यूज़र माइट सर्च टू फाइंड दिस पेज, हर पेज का कीवर्ड हो सकता है कोई ना कोई कि जी मिसाल के तौर पर मैंने मेडिकल साइंस के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा है तो उसमें कौन कौन से कीवर्ड होंगे। अब मेडिकल साइंस में मैं स्पेशली मैंने स्टमक के ऊपर कोई बात लिखी है तो अब वो जो बात मैंने लिखी है मेरे पास आने वाला बंदा, मेरे पास जो यूज़र आएगा वो क्या लिख के सर्च करेगा तो उसको ये मिलना चाहिए, यानी ऑथर के ख्याल में क्या लिख के सर्च करे तो ये आना चाहिए, वो बात यहाँ पर मैं लिख दूंगा कीवर्ड में। ठीक है, कीवर्ड एक बड़ा कॉमन है, आप कीवर्ड को अलग से भी सर्च कर सकते हैं।
ठीक है, रोबोट्स, दिस इंडिकेट वेदर सर्च इंजन शुड एड दिस पेज टू देयर सर्च रिजल्ट और नॉट। आप रोबोट्स को ट्रू कर देंगे तो सर्च इंजन गूगल पे ये शो होगा पेज, रोबोट को फॉल्स कर देंगे गूगल पे शो होना बंद हो जाएगा, गूगल पे सर्च करेंगे आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, ठीक है जी। और इसके अंदर एक तीसरा भी होता है, नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब होता है कि जी इस पेज को तो आपने लाना है गूगल सर्च पे, लेकिन इस पेज पे मौजूद जो कंटेंट है उसको नहीं लाना, इस पेज के ऊपर मौजूद जो लिंक्स हैं उसको नहीं लाना आपने। जैसे अगर जो air.sysborg वाली हमारी जो वेबसाइट थी उसमें क्या होता था जी, मैं वो वेबसाइट खोलता था, क्लास आईडी लिखता था, आप सबको कहता जी अपना अपना लिंक भेजें आप। अब वो वेबसाइट क्या करती है, वो वेबसाइट ये करती है कि जी वो क्लिपबोर्ड शेयरिंग वेबसाइट है ना, ये मैं खोल भी लेता हूँ अगर इसको, इसका वो URL, वो तो डोमेन हाथ से चला गया, अभी ये जो जेन्युइन है ना, जो जो जेनेरिक डोमेन जो उसने दिया हुआ मुझे फायरबेस में वो है। अब ये जो वेबसाइट है, अब ये तो क्लिपबोर्ड शेयरिंग है ना, इसको शेयर्ड क्लिपबोर्ड कहते हैं इस तरह की वेबसाइट को। अब इसमें ये लगे हुए इतने सारे URL, अब वो सर्च इंजन क्या करता है, वो सारे URL को खोल के देखता है और उससे भी वो अंदाज़ा लगाता है कि ये वेबसाइट क्या है, है ना, इस वेबसाइट के बारे में, वो इसको वेबसाइट का पार्ट समझता है, इन सारे URL को वो समझता है कि अलग अलग पेज हैं इस वेबसाइट के। तो मैं इसमें लिखूंगा नो फॉलो, मैं कहूंगा भाई ये तो पता नहीं किसने क्या क्या पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, ये मेरी वेबसाइट का पार्ट नहीं है, मेरी वेबसाइट उतनी है जो इस पेज के ऊपर है, कोई लिंक इस पेज पे जो लिखा हुआ है ना वो आपने फॉलो नहीं करना, सर्च इंजन को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये, ठीक है, तो मैं नो फॉलो लगाऊंगा इस पर। लेकिन ऑन अदर हैंड, अच्छा फेसबुक भी यही करेगा, फेसबुक के ऊपर जो लगा हुआ जो पोस्ट है, पोस्ट में तो कुछ भी लिंक हो सकता है, तो वो नहीं, नो फॉलो उसके अंदर है, ठीक है जी। यहाँ पे इन्होंने कुछ इसकी एग्जांपल बना के दी हुई है कि जी ये मेटा का टैग स्टार्ट हुआ है, एक एट्रीब्यूट नेम का है, एक एट्रीब्यूट कंटेंट का है, नेम डिस्क्रिप्शन, कंटेंट के अंदर एक्चुअल डिस्क्रिप्शन, नेम के अंदर कीवर्ड और कंटेंट के अंदर कॉमा सेपरेटेड कीवर्ड्स आ गए, ठीक है जी। नेम के अंदर रोबोट्स, साथ में लिखा हुआ नो फॉलो, सही है। अब रोबोट्स के अंदर और क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं वो MDN पे आपने जाके देखना है, MDN पे आप जाएंगे मेटा का वो पूरा आपको मिल जाएगा जितना भी होता है सब कुछ। अच्छा अब आप देखें ऑथर, HTTP इक्विव ऑथर और कंटेंट के अंदर लिखा हुआ जॉन डकेट। अब ये कैसे कैसे करके क्या क्या लग सकता है ये हम जल्दी से आ जाते हैं ज़रा, और जल्दी से हम आके MDN पे इसको खोलते हैं, MDN मेटा टैग एंटर, और जी ये मेटा के टैग की ना सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। अब ये HTTP इक्विव में क्या क्या हो सकता है वो सब यहाँ लिखा हुआ है और सबकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, ठीक है जी। एग्जांपल यहाँ पे बनाई हुई है इन्होंने, यार ये कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे ना वो एक सोशल मीडिया का एक मेटा होता है वो इन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है, वेल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया के मेटा टैग्स, मैंने वैसे ही अलग से लिख दिया। तो ये अलग से वेबसाइट खुल गई है CSS ट्रिक्स के नाम से, इन्होंने ना यहाँ पे ये मेटा के टैग्स बताए हैं, कौन से वाले भला, सोशल मीडिया वाले मेटा के टैग्स। अच्छा क्या होता है जी भला कि मैं आया इस वेबसाइट को, ये मेरी एक वेबसाइट है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और इसको जब मैं पोस्ट करूँगा ना जाके किसी जगह पर, जैसे मैं गया मैं ट्विटर पे गया, ठीक है, ट्विटर पे जाके मैंने बोला कि जो है ना आप क्या कर दो, मैंने इधर इसको पेस्ट किया इस वेबसाइट को। अब इस वेबसाइट को पेस्ट करते ही क्या होगा, इसका एक प्रीव्यू आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ नहीं रहा पता नहीं क्यों, फेसबुक पे चल के करते हैं, फेसबुक मेरा वैसे लॉग्ड आउट है, फेसबुक तो लॉग आउट हुआ है, इसी पे ही चलो पोस्ट करते हैं क्या होता है। हाँ ये आ गया ना प्रीव्यू, ये पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया ये। अब आप देखें इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एयर बाई सिसबॉर्ग शेयर्ड क्लिपबोर्ड, दिस ऐप प्रोवाइड अ बेटर वे टू शेयर। अच्छा ये कहाँ से आया, ये मेरी वेबसाइट पे मेटा का एक टैग लगा हुआ था जहाँ से ये उठ के आया, अगर वो टैग नहीं होता तो ये नहीं आता।
हर वेबसाइट में आपने देखा ही आता है, आपको शायद लगता होगा ये वैसे ही आ जाता है, नहीं, लेकिन इसके लिए मेटा का टैग लगाना पड़ेगा। व्यू पेज सोर्स में मैं गया और व्यू पेज सोर्स में जाने के बाद आप देखें यहाँ पे ये मेटा के टैग्स लगे हैं, ये बस इसी वेबसाइट पे खोल के देख लीजिएगा कभी के कैसे लगते हैं। ये टाइप वेबसाइट टाइटल एयर बाई सिसबॉर्ग यही लिखा हुआ था वहाँ पे, डिस्क्रिप्शन दिस ऐप प्रोवाइड्स, अच्छा ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के अलावा है, ये ओजी डिस्क्रिप्शन है, सोशल मीडिया वाली डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इमेज कौन सी लानी है जी, ये इमेज लानी है। यूआरएल कौन सा होना चाहिए जी, क्लिक करने पे ये होना चाहिए। ऑन साइट नेम जो है वो ये है जो सबसे बड़ा बड़ा टाइटल में एयर बाई सिसबॉर्ग, आप देखें एग्जैक्टली ना वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं, ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। तो ये मेटा के टैग का मैंने आपको एक प्रैक्टिकल यूज़ केस बता दिया। सर ये आपने गो फॉरो के बारे में बताया, मेरे को स्वी मार्ट की गो फॉरो, सर ये क्या दो किस्म के फॉलो होते हैं, एक डू फॉलो और एक नो फॉलो? मैं वो आपको बता देता हूँ कि वो उसमें और कौन सा है, ये क्या नाम था उसका, रोबोट्स था ना, ये मैं जाके अभी एम डी एन पे लिखूँगा तो उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी, एम डी एन रोबोट्स, नो मेटा रोबोट्स लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मेटा टैग में ना रोबोट्स करके, नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये तमाम ना पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, रोबोट्स की ना ये वैल्यूज हैं, इंडेक्स नो इंडेक्स, फॉलो नो फॉलो, ऑल नन, नो आर्काइव, ये सारी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, नो केशे। अब इस सबका मतलब है, इस सबका मतलब यहाँ लिखा हुआ है, नो फॉलो का मतलब क्या है, रिक्वेस्ट द रोबोट नॉट टू फॉलो द लिंक्स ऑन द पेज, ये उन्होंने बताया है। इंडेक्स का मतलब है अलाउ द रोबोट टू इंडेक्स द पेज, डिफॉल्ट यही है, डिफॉल्ट इंडेक्स है, कुछ नहीं लिखेंगे, डिफॉल्ट ये होगा। तो ये सारी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अच्छा ये जो डॉक्यूमेंट खुला है ना इस बार, ये डॉक्यूमेंट वो सही वाला खुल गया, इसमें ये सारे आ रहे हैं। नहीं हाँ, वो बैंक लिंक की बात कर रहा है कि बैंक लिंक, बैंक लिंक्स को फॉलो करो या नहीं करो। मेटा में जाके लगेगा, कोई भी अगर बैंक लिंक हमने लगाना होगा अपनी वेबसाइट पर, लेटर उसके कोई हमें दे देता है, कोई आर्टिकल दे जाता है, उसको अपनी बैंक लिंक्स देता है, तो जब हम उसका आर्टिकल पोस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसमें अगर हम लोग बैक लिंक लगाएंगे तो उसको मेटा में जाके लगाएंगे? नहीं, मेटा में जाके नहीं लगाएंगे, बैक लिंक तो वही एंकर टैग से लगेगा जो हम पहले लगाते रहे, लेकिन मेटा में हम ये मेक श्योर करेंगे कि नो फॉलो ना लिखा हो। अगर मेटा में नो फॉलो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है वो किसी भी लिंक को फॉलो ही नहीं करेगा, तो वो बैक लिंक्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, सही है। तो ये इस वजह से है, बाय डिफ़ॉल्ट तो ये कह रहा है कि जी इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब है कि सबको फॉलो करो बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अगर किसी ने नो फॉलो लगा दिया है गलती से, है ना, तो वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो नो फॉलो मेक श्योर करना है आपके नो फॉलो लगा हुआ नहीं हो, ठीक है। नो इंडेक्स भी इसके ऊपर लगा हुआ, देखें कि बिल्कुल ही सिरे से इंडेक्स ना करो। नो फॉलो का मतलब है पेज को इंडेक्स कर लो, लेकिन इसमें मौजूद लिंक्स को इंडेक्स ना करो। तो ये अलग अलग आपके पास मौजूद हैं। तो ये मेटा के अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो बुक में आपके बताया नहीं गया, लेकिन आप उसको MDN पे अलग से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जी और क्या क्या इसमें हो जाता है। अच्छा, ऑथर है, प्रैग्मा है, एक्सपायर है। प्रैग्मा क्या करता है, दिस प्रिवेंट्स ब्राउज़र फ्रॉम केशिंग द पेज। अब क्या आप चाहते हैं कि जी आपका पेज केशे हो जाए, या आप चाहते हैं आपका पेज केशे नहीं हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, आप हो सकता है आप इसमें से कोई एक चीज़ चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर केशे लगाएंगे तो वो एक्सपायर कब हो, एक्सपायर की डेट भी बता सकते हैं आप, ठीक है जी। अब ये एस्केप कैरेक्टर एक हमारा रह गया, छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा टॉपिक। ये एस्केप कैरेक्टर जो है ना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक दो पैराग्राफ हैं सिर्फ, ये आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ जी, कि भाई अब ये एंगल ब्रैकेट है ना, ये डिव में एंगल ब्रैकेट लगता है। अब आपने HTML में एंगल ब्रैकेट डिस्प्ले करना है, इधर एम्बेडिंग, एम्बेडिंग है ना, आपने एम्बेडिंग को ऐसे शो करना है, यूँ, ये दूसरा वाला नहीं, बस एक, आप ये एक फील देना चाह रहे हैं कि एम्बेडिंग जो है वो कोडिंग वाली चीज़ है एक मतलब। अब ये एम्बेडिंग आपने ऐसे करके लिखा, अब ये स्क्रीन पर तो दिखेगा ही नहीं, देखते हैं स्क्रीन पर क्या दिखाता है ये इसके बदले, ठीक है। वो एम्बेडेड पर कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा वो एम्बेडिंग को गायब ही कर दिया, यहाँ था ना एम्बेडिंग गूगल मैप, एम्बेडिंग को उसने भी कर दिया गायब। अब ये वाले काम जो है ना एस्केप कैरेक्टर से होता है, ये आपने खुद से पढ़ना है,
और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपका होगा टेस्ट, सही है। MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, गूगल के अकाउंट से लॉग इन होकर टेस्ट होता है, तो प्लीज़ अपना जो गूगल के अकाउंट पे अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह लगी हुई है तो उसको हल कर लीजिएगा। यहाँ पे बैठ के ये ना हो कि भाई आपका वो टू फैक्टर कहीं और आ गया और घर पे फ़ोन है या इस तरह का कोई मसला हो, तो गूगल के अकाउंट से जो है ना उस पर आपने लॉग इन होना है और गूगल के अकाउंट से लॉग इन होकर टेस्ट देना है। बल्कि मैं ये करूँगा कि मैं जो टेस्ट का जो लिंक है ना वो आपको पहले दे दूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो आप सब लोग ना ताकि घर से ही उसमें अकाउंट बना लें एक दफ़ा, क्योंकि वो पहली दफ़ा ही अकाउंट बनाने में ही वो शायद वो पूछता है टू फैक्टर वगैरह, वो सेकंड टाइम तो नहीं पूछता फिर, मे बी आई एम नॉट श्योर, वैसे वो नई डिवाइस पे शायद जब भी करो जब भी पूछता है मे बी। तो जो है ना MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, पता नहीं 25 30 40 क्वेश्चन होते हैं उसके, और कोई जितने क्वेश्चन होते हैं उसी हिसाब से टाइम होता है उसमें, तो वो जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो पहली स्क्रीन पे वो सब लिखा हुआ आ जाता है, वो आप देख लीजिएगा। टेस्ट जो है वो बुक से होगा, अगर बुक आपने पढ़ी है, क्यों बुक के टेक्स्ट में से वो MCQs बना हुआ है, तो बुक का टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा जब भी आप पास होंगे, इवन दो कि आप प्रैक्टिस भी करते रहें ना तो टेस्ट में आप पास नहीं हो सकते प्रैक्टिस के ज़रिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपने करनी है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, दोनों ज़रूरी है, दोनों करनी ज़रूरी है, दोनों में से कोई एक भी मिस करेंगे तो गड़बड़ होगी। तो बुक का आपने टेक्स्ट पढ़ना है, मंडे तक का आपके पास टाइम है, ठीक है, तकरीबन 4-5 दिन। तो नहीं नहीं ये अब जो मंडे आएगा वेनसडे के बाद आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, पांचवा दिन होगा मंडे बस, तो फिर देखेंगे, फिर बारिश हो गई तो कुछ करेंगे उसका तो नहीं अगले मंडे नहीं, फिर उसके बाद वेनसडे होगा, मंडे अगर नहीं हुआ तो वेनसडे होगा फिर। वेल तो किसी का कोई क्वेश्चन है अगर टेस्ट से मुतालिक कोई तो वो पूछ सकता है। क्या सॉरी टेस्ट पेपर नहीं नहीं हाँ नहीं गैस पेपर नहीं है नहीं नहीं गैस पेपर नहीं है, गैस पेपर ये बुक है आपकी, बुक से गैस करना है आपने। हाँ चार ऑप्शन होंगे या पांच ऑप्शन होंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा, किसी किसी में दो तीन भी करने होंगे चूज़, वो लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन को समझना टेस्ट का पार्ट होगा, ये भी आपको बता दूंगा। टेस्ट के दौरान कोई मुझसे बुला के ये ना पूछे कि सर ये सवाल समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन को समझना टेस्ट का पार्ट होगा, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है हमारे पास। 70% उसका पासिंग मार्क होता है आमतौर पर, सही है, कभी वो 60 भी कर देते हैं लेकिन आमतौर पर 70% ही होता है। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी मंडे को। चलें पहले कोशिश करें पहले तो।